and sitting down. I know one of the people in the house. Ask me, I'll and that's a it's a moment now. Hello, Hazrat. आप सबकी आमद का शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज जिस शख्सियत को खिराज मोहब्बत और अपनाइयत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, वो हैं सुल्ताना सिद्दीकी, प्राइड ऑफ ऑफिस। बाकायदा इब्तिदा के लिए इजाजत है तलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक अल्लाहु अज़ीम। कुछ तरतीबें ऐसी हैं जो बदल जाती हैं, जैसे दुनिया बदलती रहती है उसे तरतीबें बदलती रहती हैं। हम कुछ और थोड़े से मंसूबे बना के बैठे थे, लेकिन इन मंसूबों में मेरे लीडर की रहनुमाई से कुछ तब्दीलियाँ मैंने की हैं, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐन वक्त के इमरजेंसी में फैसला करना सिर्फ एक इंसान का इख्तियार, हक और तरीक़ेकार है, जिसका नाम है अहमद शाह। सर, मेरा और मेरी अदी सुल्ताना का 40 साल से अच्छा 45 साल से बीजेपी के हवाले से ताल्लुक है और इनका और हमारा आमने सामने कमरा था और ये दो बैठे बैठे में मुन्ने मुन्ने से बड़े हो गए और हमसे भी बड़े हो गए। सब दोस्त, लेकिन अभी वही रिश्ता कायम है। वो मुझे मामू कहते हैं और मैं उन्हें भांजा कहता हूँ। खातिर हजरात, बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी बातें कहनी थी। 40 साल के ताल्लुक में 40 किताबें लिखी जा सकती थी इस ताल्लुक से, लेकिन इससे पहले कि बाकायदा जो तरतीब थी उस पर मैं जाऊँ, मेरे एक बहुत अजीज दोस्त, मोहतरम दोस्त, मेरे सीनियर भी थे हमें कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, वो अंग्रेजी डिबेट बोलते थे और वो उर्दू डिबेट बोलता था। मेरा उनसे ताल्लुक उस दौर का है, ये 67 की बात है, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत इस कौमी ज़िंदगी में वो है जिसको आप भी कदर की निगाह से देखते हैं और टेलीविज़न पर भी और मुख्तलिफ तंजीमों में भी इनकी तकरीरों से, इनकी बातों से मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे मोहतरम जावेद जब्बार साहब से, क्योंकि उनको एक बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो मैं चाहूँगा कि वो, बल्कि इनकी फिजा से हो सकता है कि बरकतें बढ़ जाएँ, क्योंकि जब्बार के नाम से वैसे भी बरकतें वाबस्ता हैं। मोहतरम जावेद जब्बार साहब, दोस्त, और बहुत शुक्रिया सुल्ताना साहिबा ये दावत का। आह क्या बात है, आप लगती हैं जैसे कहें सुल्ताना शाहाना अंदाज जो है आपका, आई गॉड शी इज लाइक अ क्वीन। हाँ, साथ बैठे हैं माशाल्लाह इसके जमींदार अहमद शाह साहब, जमींदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माई गॉड, व्हाट अ लाइनअप ऑफ पीपल। आप सब की मौजूदगी इस बात का सबूत है, इस एहतराम और मोहब्बत और इज्जत के साथ हम सुल्ताना साहिबा को देखते हैं और हैरत करते हैं कि एक ऐसी अनोखी शख्सियत जिसकी उम्र नहीं यहाँ पर जिक्र करना चाहिए था, 50 साल। अरे बाबा, किसी खातून की उम्र 30 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकती। सुल्ताना
सुल्ताना को अभी मुश्किल से 18 साल पहुंची हैं, पता नहीं कैसे बेटे इन्होंने पैदा कर दी है, लेकिन सुल्ताना इज नॉट 50, शी इज वेल दिस साइड ऑफ हाफ अ सेंचुरी, और हमें ये शर्फ हासिल है, जैसे आप सबको है, लेकिन मुझे बिलखसूस शर्फ हासिल है कि टेलीविजन हो 20वीं सदी का या 21वीं सदी का टेलीविजन हो, और टेलीविजन होने के अलावा इंसानी रिश्ते के नाते से मैं बहुत इज्जत करता हूं सुल्ताना साहिबा की, और मैं समझता हूं कि मुख्तसर तौर पर मैं तीन उनके पहलू पर मैं जिक्र करूंगा और बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतर मुकर्रीन आपको शेयर करेंगे। एक कि सुल्ताना साहिबा का किरदार कैरेक्टर ये इतने तसलसुल के साथ जारी रहा है, whether it is her innocence as a producer starting out her career in Karachi television, और कैरेक्टर एक तो डेमोन्स्ट्रेट करना जारी रखना जो भी अप्स एंड डाउन आए करियर में अपनी पर्सनल लाइफ में, एक औरत होने के नाते फिर एक माँ होने के नाते कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर एंड वैल्यूज। द सेकेंड थिंग हिम्मत, जिस हिम्मत करेज के साथ एक बहुत ही मुश्किल तरीन शोबे में कई पहलू से वो एक ट्रेल ब्लेजर रही खातून होने के नाते, बट टेलीविजन सेल्फ वॉज डेवलपिंग एंड इवॉल्विंग, तो जिस हिम्मत के साथ इन्होंने काम शुरू किया और जारी रखा, और तीसरा उनकी अपनी काबिलियत कैपेबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं कर सकते कि खासतौर पर जब 21वीं सदी में सन 2004-5 की जब ये मंसूबा बना हम टीवी को लॉन्च करने का, तो जिस प्रोफेशनल विजन के साथ और कैपेबिलिटी के साथ दुरैद की साथ और उनके शुनैद द होल फैमिली वर्किंग टुगेदर, मुझे शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने दावत दी शेयर होल्डर बनने की, और हमने थोड़ा कुछ सरमाया जो था वो इन्वेस्ट किया, कभी नहीं पछताए। अलबत्ता जब उसी सरमाए को रामचंद पाकिस्तानी के लिए प्रोड्यूस करने की जरूरत थी तो हम डिस इन्वेस्ट कर गए, लेकिन जिस अनोखे अंदाज में हम टेलीविजन ने अपनी एक इंफरादियत शुरू से कायम की, उसकी वजह सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का एक पेशा वराना नजरिया और उनकी कंसिस्टेंसी। तो मैं सराहता हूँ, हम दुआ गो रहेंगे हमेशा आपके लिए सुल्ताना साहब, एंड मे यू गो ऑन टू अचीव न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। साथ जो साथ हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनको समाजी जिंदगी में शो बिजनेस में वो हैसियत हासिल है जो क्या कशां किसी है। हम अपनी कौम से मायूस इससे नहीं है कि हालात जैसे भी हों, ऐसे ही सितारे ऐसे ही मोतबर अफराद मुख्तलिफ शोबों में पैदा होते हैं और इस पाकिस्तान को बेहतर बनाने और बचाने के लिए कोशिशें करते हैं, अपने अपने शोबे में मेहनतें करते हैं। यहाँ ऐसे तमाम अफराद जो मुझसे कुछ सीनियर हैं कुछ मेरे साथ के हैं, उनकी आमद पर और सुल्ताना आबी की इस ट्रिब्यूट सेरेमनी को एक्सेप्ट करने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हाजिर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम इंतजार करते हैं क्योंकि आप ही ने काम शुरू किया था पाकिस्तान टेलीविजन से और मैं भी हूँ पाकिस्तान टेलीविजन से, तो थोड़ी सी खुदगर्जी करते हुए एक छोटी सी शोरी जो हमें बताएगी कि हमारी आपी ने क्या किया और क्या नहीं किया। लाइट्स ऑफ बिस्मिल्लाह। आप कहते हैं ना वंडर वुमन, ये औरतें होती ही बिल्कुल हर हर औरत
پانڈا کہ جو کوئی نہ کر سکے وہ کوئی رد کر سکے خاص شخصیات ہی کوئی خاص کام سر انجام دیتے ہیں سلطان صدیقی ایک انتہائی اہم شخصیت ہے انہوں نے بہت سارے اہم کام پائے تکمیل تک پہنچائے وہ ایک شخصیت تو ہیں لیکن دنیا بجا طور پر انہیں ادارہ سمجھتی ہے ایک کامیاب پروڈیوسر ذہین ڈائریکٹر بہترین منتظم پاکستانی خواتین کے ساتھ دونوں کی عمر متنوع جہتوں کی حامل ہستی ایک نو لکھا اور ہم سب کی سلطانہ آپا میڈیا انڈسٹری کی سلطانہ ہی تو ہیں یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں کوئی بھی کام دشوار کو ہوتا ہے لیکن اس میدان میں مستقل مزاجی نرگسری ہوتی ہے اور کامیابی انہی لوگوں کی قدم بوسی پر مائل ہوتی ہے جو سچی لگن اور مسلسل محنت کو اپنا شعار بناتے ہیں ایسے ہی جنون لوگوں کی قطار میں سلطان آبا سب سے آگے ہیں بلکہ وہ ستاروں سے بھی آگے ہیں بہت ہی آگے سلطان صدیقی نے پی ٹی وی کی منفرد دنیا میں ایک میزبان اور اداکار کی حیثیت سے پن رکھا یہ سن 1974 کی بات ہے آپ پی ٹی وی کے میزبانوں کے پہلے قافلے میں شمار ہوتی ہیں تو مجھے اتنا پلے کا نہیں تھا حالانکہ میں کالج یونیورسٹی میں اسٹیج پہ ڈرامے وغیرہ میں لیڈ کیریکٹرز پہ کرتی تھی ڈبیٹس کرتی تھی چیزیں کرتی تھی تو اسی وجہ سے مجھے بلو صاحب نے فرینڈ بول کے بلایا کہ آپ کوئی پوسٹ کریں ہمارے لیے وہ کر رہے تھے تو اسی وقت عمر جلیل اور دوسرے لوگ کہا کہ ڈرامے کے لیے بھی بلو صاحب نے مجھے کہا کہ وہ ایک پروگرام کرتی تھی سندھی اردو بول چال اچھا اس میں بھی میں کمپیننگ کرتی تھی تو جب میں نے ڈرامے کو کیے تو ایک منظور قریشی میرا ہی وہ تھا اور میں اس میں تھی لیڈ کریکٹر کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ نہیں یہ رومانٹک چیزیں اور وہ جو ہے اب آن اسکرین مجھے مزہ اس طرح نہیں آ رہا تھا تو دو پلے کے بعد میں نے کہا میں نہیں کر رہی ہوسٹ میں کر رہی تھی سلطان آپا نے اپنے مستقبل کی عمارت کی پہلی منٹ یکم مارچ سن 1975 کو پی ٹی وی سے بطور پروڈیوسر وابستہ ہو کر رکھی جابس نکلی تھی تو بلو صاحب نے کہا آپ کیوں نہیں ڈائریکٹر کیونکہ میں لکھتی بھی خود تھی بتاتی بھی خود تھی مہتاب بھی اس میں آئی اپلائی کیا تھا میرا خیال ہے کہ 14 مہینے کی ہماری ٹریننگ ہوئی اور اس میں شاید دو ہی لوگ جو ہیں ایز اے پروڈیوسر سلیکٹ ہوئے باقی اسسٹنٹ اس میں چیئرمین سمیت اور میں تھی پی ٹی وی سے ان کا تعلق 20 اکتوبر سن 2001 تک رہا اس دوران انہوں نے بہت سارے یادگار پروگرام پیش کیے جن میں زیادہ تر موسیقی ڈرامے بچوں اور خواتین کے پروگرام شامل ہیں ان سارے پروگراموں میں لہریں ندرتی خیال ہیں اور فنکار مسائل انگیزی شامل ہیں فنون لطیفہ کی ایک حسین ترین اور روح پر نشاخوں میں سے ساز و آواز کی برگ و بار اور گلزار سے مزین ایک شاخ موسیقی بھی ہے سلطان صدیقی نے موسیقی کے کئی ایک پروگرام پیش کیے جن میں شامل نغمے گل گل سرسنگا ایک آواز تین انداز آواز و انداز سرسنگیت آپ کی خدمت میں برت دھن لوک تماشا پاپ میوزک کا سفر جمع سنگیت جیسے پروگراموں کے علاوہ اور کئی خصوصی نغمات بھی شامل ہیں مایا عرفان اور تمام عرفان کے حوالے سے ایک فضیلت و فوقیت رکھتے ہیں
जो रंगों को पीटीएम का एक सदाबहार और मेहता का गुलदस्ता कहा जाता है, उनमें बिलाशुमार सुल्ताना सिद्दीकी के ड्रामे भी शुमार किए जाते हैं। अपनी बेबाक लगन के बाइस उन्होंने पीटीवी के ड्रामों की रिवायत को जानदार और जिंदा जावेद कर दिया। क्या बात है, जिस तरह बार बार अनुराग को बोल के तुम भी भूल जा, तुम्हें बड़ा मतलब परस्त दीदी और मैं वो तो देवता। मैंने तुम्हें पहले कहा कि शेर की पूजे में गर्दन मतलब मुझे पता नहीं क्या था कि मैं बहुत शेर। उन ड्रामों में जलजला खेज कहानियां होती थी। उनके अशर होने के बाद हमारे समाज में भौचाल की सी कैफियत आ जाती थी। समाज में जिंदगी की सांस तोड़ने लगी। मारवी से पीटीवी के ड्रामे का सर बुलंद हुआ। मारवी ड्रामे की सूरत में सुल्तान सिद्दीकी ने एक नया रास्ता सुझाया, एक नई राह हमवार की और एक नया चिराग जलाया। मारवी के नए पहली दफा कारोबारी का किया फिल्म करे मुझे खत आ जाते थे कि आप हमारी मतलब तहजीब को चीजों को बाहर ला रहे हैं, आप देखिए आपके साथ क्या होगा। इस ड्रामे में इंकलाब था, फसुदा रिवायात से बगावत थी, औरत की असमत और माशरे में उसकी हैसियत की बात थी। सच तो यह है कि इस ड्रामे ने एक बाशूर खुद मुख्तार और रोशन ख्याल औरत की तहसील साजी के नए इम्कान रोशन किए। इस ड्रामे के जरिए सुल्तान सिद्दीकी ने माशरे को चौंकाने वाला काम कर दिखाया। उसकी वजह से घर बुलाया गया जर्मनी में, मुझे जूरी में भी रखा गया और मेरे प्लेस दिखाए भी गए थे। रौनक पोर्टल ने सुल्तान सिद्दीकी के पेशकर्ता खवातीन के लिए बेहद अहम प्रोग्राम थे।
इसके अलावा वन मैन शो साथ साथ मेरे बचपन के दिन हेडफोन और दीगर प्रोग्राम सुल्ताना के अहम प्रोग्राम्स में शुमार किए जाते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में इनकी अनगिनत खिदमात के एतराफ के तौर पर सुल्ताना सिद्दीकी को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया है। सुल्ताना सिद्दीकी जरा सी और हल्की सी नहीं, वो सूरज की गहरी किरण है जिनसे चमन रोशन हुआ। इनकी जात रोशनी का एक अक्स है, एक ऐसा अक्स जिससे कई अक्स जरूर पसीर हुए और ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं। ये हैं हमारी सुल्ताना सिद्दीकी, आपने आप लोगों ने देखा ये फिल्म शूरी पाकिस्तान टेलीविजन के चैनल मैनेजर ने खुद बैठ कर बनाई थी, जिनका नाम है अंजय पंचायत। और अगर दो मिनट की अगर गुफ्तगू करना चाहें सुल्तान, क्योंकि अब हम तो कुछ होते हैं कि इतने मुकर्रीन हैं, हम सबके दिलों में बहुत कुछ कहने को है, लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम दोस्त सिवाय अनवर भाई के और सिवाय सीनियर्स के सब लोग दो मिनट से ज्यादा ना बोले। बहुत शुक्रिया। इस बात में बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आसपासों का शुक्रिया, जीएम कराची अहमद शाह साहब का शुक्रिया, अच्छी तकलीफ जहाँ माशाल्लाह से जाए। इकबाल भाई दो मिनट नहीं एक मिनट, क्योंकि मुझे पता है कितनी बड़ी शख्सियत आज यहाँ बैठी हैं और जाहिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, क्योंकि शख्सियत बहुत बड़ी है ना। मेरा न मनसब है न मकाम है कि मैं इनके बारे में कुछ कह सकूँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैंने ज्वाइन उनके हाथों पे किया था और पहली ज्वाइनिंग मैंने खुद ही थी 96 में, और एक महीने के बाद जिस प्रोड्यूसर के साथ मेरी एलोकेशन थी उनके साथ ज़्यादा देर हम आगी मेरी ना हुई, तो मैंने इस्तीफा लाकर सुल्ताना को रुका के सुल्ताना पर शायद मेरा सफ़र पीटीवी के साथ एक महीने के बाद तमाम हुआ। इन्होंने मेरा इस्तीफा फाड़ दिया, इन्होंने कहा कि नहीं तुमने रहना है पीटीवी में, तो मैं का शुक्रगुजार हूँ वो लम्हा और आज का लम्हा हम आपके सामने ही है। मैंने सिर्फ ये देखा जो मैंने से सीखा, इन्होंने कोई टाइम ज़ाया नहीं किया, इनके कमरे में कोई गोसे इकबाल भाई उस तरह से नहीं होते थे कि भैया उनके टाइम मैनेजमेंट माशाल्लाह। जब भी देखा इनको काम करते हुए देखा, हमने एक एक लम्हा इनसे सीखा, मैंने इनको असिस्ट भी किया म्यूजिक के प्रॉब्लम, ये टेंस सेटर है भाई, स्टूडियोज में भी प्रॉब्लम करती थी म्यूजिक का, तो लगता था कि पूरा कॉन्सर्ट कर रही हूँ। और इनका घर माशाल्लाह वहाँ पर जाकर हम रीजनल प्रोग्राम हो रहे हैं सिंधी में उर्दू में, जितने भी बड़े आर्टिस्ट उस जमाने के अली हैदर जुनेद जमशेद और जनाब नदीम जाफरी पता नहीं जो उस जमाने में बढ़ रहे थे वो सब सुल्ताना बाकी मशे से माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जाहिर है हम पे जो इनका काम है वो तो जाहिर आप लोग बात करेंगे, और सुल्तान आपका मैं आपका बेहतर शुक्रगुजार हूँ जिस अंदाज में आपने मुझे सपोर्ट किया हमेशा और जो आपने प्यार दिया है वो मैं उसके लिए आपका बेहतर शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत बड़ी शख्सियत है और हम आपसे हमेशा सीखते रहेंगे, और अल्लाह ताला करे कि आप मजीद आपको कामयाबियाँ कामयाब पर दिखा आपका ताकत में और आपकी दुआएं हमेशा। बहुत शुक्रिया। खातम आज़ाद जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन, और अब थोड़ा सा जायका फनकारों की तरफ भी जाना चाहिए। मैं खालिद अहम से दरख्वास्त करूँगा कि मुख्तसर तरीन और पुरअसर बात। खालिद सुल्ताना सिद्दीकी के साथ गानों के प्रोग्राम किए और अभी शाह साहब ने कहा टाइम मैनेजमेंट सुबह में 7-8 बजे बीच पे ले जाती थी और वहाँ पूरा दिन शूट करते थे और वाकई टाइम मैनेजमेंट थे, एक बीच में पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह के उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सुल्ताना सिद्दीकी के साथ काम कर सकूँ अपने अवाइल में काम के शुरुआत में। म्यूजिक के शोज आते उस दिन आपने मुझे स्टोरी भेजी थी, वो गाना एक था
क्या अच्छा प्रोग्राम था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ सुल्तान तो बहुत सारे हुए अयूब खान से लेके अब तक, लेकिन सुल्ताना सिर्फ एक ही है और वो रहेगी। थैंक यू सुल्ताना, थैंक यू। ऐसी बात है, ऑनर की बात है कि इनके साथ एक ही दफा मुझे मौका मिला काम करने का इनकी डायरेक्शन में। और जब हमने एक्टिंग का करियर अपना स्टार्ट किया था तो उस वक्त PTV के अंदर एंटर होना ही एक बहुत बड़ी बात थी, और उनके साथ काम करना तो एक वो ऐसा था कि ख्वाब पूरा हो गया। तो उस ज़माने में जो है काम करना, PTV के अंदर आना और काम करना एक बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू वेरी मच। एक विजनर हमेशा से सुल्ताना आपा ने बड़े ख्वाब देखे और हमेशा कोई ट्रेंड सेट किया, हम टीवी की बुनियाद रखी और उसके पीछे इतना काम किया। एक शोरी उसमें आपने देखा होगा कितनी सर्विसेज हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया वुमेन एम्पावरमेंट पे। आज भी हम टीवी जैसी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी काम करती है उसमें खवातीन का बड़ा रोल होता है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमेशा से साथ लेकर चली हैं सबको और वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत काम किया। सुल्ताना का इसी तरह आप हमेशा खुश रहें, आप अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह आप काम करते रहें। बहुत सारी जब बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं तो तकलीफ से होते हैं, लेकिन ये बिन बुलाया मेहमान हमारे लिए अच्छा रहा। थैंक यू फनकारों का एक नुमाइंदगी तो हुई, लेकिन जावेद जब्बार भाई ने शुरू किया था जो हमारे साथ के डिबेटर थे, मेरे साथ के एक डिबेटर मेरे दौर की और उनके दौर का मैं, और वो सुल्ताना आप उनकी बहुत अच्छी दोस्त, हम उन्हें अनीस तफसुल के नाम से जानते थे, अब वो अनीस हारून है और बहुत ज्यादा हारून है, अनीस हारून का है। शुक्रिया इकबाल। एमशिया आर्ट्स काउंसिल का बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी बहुत अजीज दोस्त को सराहने का फैसला किया। देखिए मैं बाल अतीब की तरह ये तो नहीं बताऊंगी कि मैं कितने बरस से सुल्ताना को जानती हूँ, इसलिए कि इसमें हमारी और उनकी उम्र जो है वो सामने आ बड़ा मसला है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम स्कूल के दोस्त हैं, टीन एज के दोस्त हैं, सारी पढ़ाई शरारतें सब कुछ हमने साथ किया है। और ये भी आपको भी बता दूं कि मैं उनकी सबसे पुरानी जिंदा दोस्त हूँ। सबसे पुरानी जिंदा दोस्त कहना है कि सुल्ताना को सराहने का सिलसिला तो शायद उसी वक्त से शुरू हो गया था जब भी आपने ये वीडियो देखी है कि PTV में इन्होंने काम करना शुरू किया, चाहे वो म्यूजिक का प्रोग्राम था, चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम था, चाहे वो ड्रामे थे। जब ये मेरे साथ दो तीन मरतबा इंडिया गई तो वहाँ इतनी ज़्यादा इनके ड्रामों की और इनकी कदर थी कि लोग हमें तो भूल जाते थे और यही सारी महफिल जमाती थी। तो इनकी पॉपुलैरिटी आप लोगों की यहाँ ज़ाहिर आने से भी ज़ाहिर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सुल्ताना ने हम TV कोई बहुत आसानी से नहीं बनाया, इन्होंने बहुत मेहनत की। मैंने PTV के ज़माने से इन्हें देखा था कि 12-12 घंटे इन्होंने काम किया, ये आधी रात को अपने घर आती थी। ये वो दिन थे जबकि कराची की सड़कों पे आना जाना बस से होता था, कभी नहीं चली। वहां से लेके जब ये हम TV बना है उसके बाद हम इंटरटेनमेंट है, हम मसाला है, हम सितारे हैं, जहां भी देखो हम ही हम हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ सुल्ताना से कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम इसी तरह तवाना रहो
اور سلطانہ نے ایک بات جو شاید آپ کو معلوم نہیں ہے وہ بھی بتا دوں کہ بچوں کے لیے اسکول بھی بنائے ہیں جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ریفارمس کے لیے بھی وہ بہت کام کرتی ہیں. ان کا ایک یہ فلینتھراپسٹ وہ بھی ہے, اور بحیثیت سنگل مدر انہوں نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, مائی ہیٹس آف. یہ بچے چاہے سنگل ہے چاہے گھنٹ ہے چاہے درد ہے, بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کا احساس رکھتے ہیں جو آج کی نسل میں نہ پہ. تو سلطانہ ایز اے مدر, ایز اے کریٹر, ایز اے دوست, اور دوست کی میں کیا بات بتاؤں, شاید ہمارے درمیان اتنی یکدلی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی راز نہیں ہے. میری کوئی بات نہیں ہے جس سے سلطانہ واقف نہیں ہے, ان کی کوئی بات نہیں ہے جس سے میں واقف نہ ہوں. اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, سلطانہ تم چھا گئی ہو, ہمیشہ مسکراتی ہی مسکراہٹ ہے. ایک ان کا وہ ہے سمبل ہے کہ میری بہت محنت کرنے میں بھی بہت مسائل میں بھی ان کو مسکراتے دیکھا ہے, ہمیشہ مسکراتے. That was not too much. شکریہ عزیز, یہی دعائیں یہاں موجود ہر شخص کی ہیں, اور ان کے لیے یہ دعائیں اس لیے کہی جائیں گی کہ یہ انسانوں کو انسان سمجھتی ہیں اور ان کی طرح. خیر, خاتم حضرات, سلطانہ آبی کراچی کیا, سندھ کیا, پنجاب کیا, دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی کمالات کے جھنڈے جا چکی ہیں, اور ایسے ایسے جھنڈے انہوں نے گاڑے ہیں کہ اگر ان کا ذکر کرنے بیٹھا تو آج کی یہ محفل کل شام تک چلتی رہے گی. دوست ان کے مختلف شہروں میں ہیں, مختلف شعبوں میں ہیں, لیکن اس وقت ان کی ایک دوست خصوصی طور سے لاہور سے تشریف لائی ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سلطانہ آبی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترمہ صباحت رفیق صاحب. السلام علیکم. سلطانہ صدیقی کے لیے کچھ بھی کہنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے, اور میں شاید بہت انایڈیکویٹ ہوں کہ ان کی تعریف میں کچھ بھی کہہ سکوں. میں نے ان کو کاملیت کے سفر پہ دیکھا ہے. جو بھی چیز وہ زندگی میں کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ پورے پیشن کے ساتھ اور پوری کوئسٹ فار پرفیکشن کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے. اور سب سے زیادہ جو ان کی خوبصورت چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ وہ ایک مکمل ماں ہے. زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کو مل کر بقول رومی آپ کو لگتا ہے کہ دے ایگزسٹڈ ان یو آل الانگ. تو میں جب پہلی دفعہ سلطانہ آنٹی سے ملی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ ہمیشہ سے میرے اندر کہیں موجود تھی, اور میرے اندر جو ایک کمی تھی وہ ان کی گود میں میں نے پوری کی. اور یہ وہ شخص خاتون ہے کہ جن کو آپ یہ نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کے پاس کام کی کمی ہو, اس کے باوجود کبھی ان کو کال کرو وہ مجھے ایک لمحے سے پہلے کہتی ہیں آ جاؤ. اتنے پیار سے میٹھی کہتی ہیں, اتنے پیار سے محبت سے اپنی گود میں لٹاتی ہیں کہ میں کبھی کسی شخص کے اندر اتنی شفقت کا احساس نہیں دیکھا جتنا ان کے اندر دیکھا ہے. اور یہ شفقت کوئی اتفاقی یا حادثاتی نہیں, بہت آفاقی ہے. میں نے ان کو دیکھا تو ہر ایک سے اتنی ہی محبت کرتی, اتنا ہی خلوص سے ملتی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے کہ جو بھی ان سے ملے اس کو لگتا ہے کہ میں ان کا بہت خاص ہوں, اور اتنی پرفیکشن سے محبت کرنا کسی عام آدمی کے بس کا نہیں ہے. ایز اے سنگل مدر میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے تین بچے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اتنی اچھی تربیت فی زمانہ ممکن نہیں ہے, اور یہ تربیت صرف ان کی پہلی جنریشن پر ہی محدود نہیں ہے. میں نے ان کے پوتے پوتیوں میں بھی وہی خوبصورتی دیکھی ہے, وہی انسانیت دیکھی ہے, وہی محبت دیکھی ہے, وہی اقدار دیکھی ہے.
एंड वही एम्पावरमेंट देखी है जो कि आजकल के बच्चों में तकरीबन तकरीबन नापैद है। सुल्ताना आंटी के मुझे एक्चुअली आंटी कहते हुए शर्म भी आती है, मगर मैं क्या करूँ, मेरा उससे रिश्ता ऐसा है, मोहब्बत का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है और माँ की गोद का रिश्ता है, तो मेरे पास अल्फाज बहुत कलील हैं। आंटी के हर काम में एज अ सिंगल मदर परफेक्शन इन ममता, परफेक्शन इन रेजिंग हर चिल्ड्रन, परफेक्शन इन हर वर्क। वी हर्ड फ्रॉम अदर पीपल एंड आई कंटिन्यू टू हियर फ्रॉम पीपल कि इनके घर भी जाएं तो स्क्रिप्ट इनके हाथ में होती है और उसके अंदर कुछ ढूंढती रहती है। इनोवेशन एंड इन्वेंशन विच आई फील इज द की थिंग फॉर एनी ह्यूमन। लोग जेड हो जाते हैं, किसी रोल में फ्रीज हो जाते हैं। सुल्ताना सिद्दीकी के काम में आप देखेंगे कि हर वक्त एक तनवो है, एक सोच की जिद्दत है, एक नई तरह है। हम जैसे लोगों से पूछती हैं, बेटा आजकल मैं इस तरह का ड्रामा लिख रही हूँ, इसके लिए कोई टैगलाइन बताएं। सो दैट इंक्लूजन दैट शी ब्रिंग्स टू द स्टेज फॉर मी, शी इज अ परफेक्ट मदर, विच इज टू मी कि ममता जो है वो औरत का सबसे खूबसूरत रूप है। She's a perfect mother, she's a perfect creator, she's a perfect leader. For her to create the first publicly listed TV channel, that is no small accomplishment. And I will actually just conclude by saying ki aunty, Allah Taala aapki zindagi daraz kare, aapke kaam mein isi tarah kamiliyat rakhe, aapki jamaliyat mein aur aapki jiddat mein हर चीज़ में उसी तरह इजाफा करें और आपका साया हम सब पे हमेशा कायम रहे, ना सिर्फ अस एज योर चिल्ड्रन बट द होल इंडस्ट्री एज अ होल। हर नजर, हर शोभा, हर तरफ सुल्ताना आप ही की मकबूलियत कहीं कम नहीं है। एक जमाने में हम जिसके गोल करने पर खुश होते थे, उनको बहुत जरूरी काम है कहीं गोल करने जाना है, वो हमारे दरम्यान मौजूद है और डेढ़ मिनट उन्होंने कहा है तो दो मिनट उनको दे जाते हैं। बहुत हिस्सा दिन सर सुल्ताना साहब तमाम मौजूद हज़रात जहाँ हैं और वहाँ हैं सबको अस्सलाम अलैकुम। मेरे दो शेख बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे भी तकरीर करनी है तो मैं नहीं करूँगा, तो मेरे दो मिनट भी आप ले लीजिए, तो मेरा टाइम चार मिनट का हूँ। सुल्ताना साहिबा की के मुतालिक बातें करना जो है तो ये कहूँगा कि सूरज को चिराग दिखाने की मुसाफिक है। मैं सुल्ताना साहिबा को तकरीबन अपनी उम्र भी बताऊँगा, इनकी भी नहीं बताऊँगा, तकरीबन पाँच डिकेड से ज़्यादा से जानता हूँ और उसको से जानता हूँ जो मैं खुद खेलता था। अम्बेडकर जीत कर आए थे, सुल्ताना साहिबा को मैंने पी टी वी पर देखा था, पी टी वी उस पर काला सफेद होता था, बाद में रंगीन हो गया। और ये वो पी टी वी है जिसने अपनी रोशनी से, नहीं कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स हैं, हम समय सबको रोशन किए। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं नाम भी लूँगा बहुत मुझे तो चार मिनट मिल गए हैं। और इतने हजरात के नाम लिए तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए। मैं सुल्ताना साहब की ना प्रोड्यूसर की बात करूंगा, ना कैंपेनिंग की बात करूंगा, मैं वो बातें करूंगा जब ये तालिब इल्मी के जमाने में सिंध में पढ़ती थी और न सिर्फ पढ़ती थी खेलती भी थी। फिर यूनिवर्सिटी से उन्होंने बी ऑनर्स किया और वहाँ पर खास बात ये थी, जैसे अमित शाह ने कहा कि ये ज़बरदस्त, ये खातून जो है बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थी और हर खेल में हिस्सा लेती थी और आलम ये था इनका कि सारे खेल खेलने के बावजूद जब ये एथलीट थी और एथलेटिक करती थी तो सबको पहले से पैगाम होता था कि खबरदार कोई मुझसे आगे निकला
मैंने जितना और मैं ही जीतूंगी। बड़े नाते जीते इन्होंने, जाहिर मैं खिलाड़ियों खिलाड़ी की बात करूंगा तो इनकी एक बहन डॉक्टर खुर्शीद पुरानी साहिबा की उसी से एक साल आगे पीछे थी, उसको खास तौर से वो भी बहुत अच्छी एथलीट थी तो उनको खास तौर से इंस्ट्रक्शन की खबरदार तुमने आगे लिखा। तो ये जितने भी मेडल जीती थी उस जमाने में ये दादागिरी से जीती थी, इन्होंने बड़ी दादागिरी की यूनिवर्सिटी के अंदर और उसको इन्होंने मेनटेन किया है, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती इनसे कोई भी लिबर्टी ले। पहले दादागिरी करती थी, अब दादीगिरी करती थी। बहुत कुछ कहने को है और जैसा कि मुझे कहा गया तो आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ सुल्ताना साहिबा को, इतने सारे शख्सियात यहाँ पर जमा किया है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह से इनके बच्चों को, क्योंकि इनके अपने बच्चों को जिसने जो बच्चा चाह वो बने, चुने इंजीनियर बनना चाहते इंजीनियर बने, जुड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, जुड़े एम बी ए किए, सब ने जिसने जो चाह उन्होंने किया हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट किया। माशाल्लाह की तुम भी इसी तरह खुशहाल मस्ती बढ़ती रहे और आप सदा जी हमारे दरमियान जितने लोग हैं उनके लिए बहुत लंबी चौड़ी तारुफ की मुझे इसलिए जरूरत नहीं है कि आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनको ना जानता हो। फनकार हैं, अहम शख्सियात हैं, बैंकर्स हैं, तजारती लोग हैं। मैं इस वक्त जहमत देना चाहता हूँ सलम सही साहब को, अस्सलामुअलैकुम। बस सुल्ताना पा यू आर इंस्पिरेशन, मेरा सबसे कीमती तोहफा सुल्ताना पा ने दिया है, विच इज अ प्रोजेक्ट दैट स्टे विद मी, आई वेयर इज अ बैग ऑफ ऑनर टिल टुडे एंड आई ऑलवेज विल। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे दिया, बहुत कुछ सिखाया एंड आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे दैट योर लेगेसी कंटिन्यूज, दैट योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंडचिल्ड्रन एंड वी आर एबल टू टेक दैट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू वर्क विद यू एंड टू बी हियर टुडे। कांग्रेचुलेशन। हमारे दरमियान कुछ शायद मुझे देख नहीं पाया मैं, आसिफ रजा वीर साहब पीछे कहीं बैठे हैं और मैं उनका खास करता हूँ। एडवाइजिंग के हवाले से भी, एक्टिंग के हवाले से भी बहुत अहम नाम मोहतरम आसिफ रजा वीर साहब। नहीं माइक नहीं, आप यहाँ तो शिकार है तो यहाँ पहुँच जाएगा। इस दौरान जावेद शेख साहब का शिफा जी आसिफ बोल रहे हैं, आ रहे हैं क्या? मैं तो काफी देर से बोल रहा हूँ, आवाज ना आ रही है। आ रही है, आ रही है। मैं आपको दूर से सलाम नहीं कर रहा बल्कि हमेशा से सलाम करता हूँ, इसलिए कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया और मैं गली का पीजीपी कराची में आया काम करने के लिए, तो यू वर वन ऑफ द इंस्पिरेशंस, शहजाद खलील, सारा कासिम, ये सब वो लोग हैं जिनको आज हम लोग देख के, हम लोग बूढ़े हो गए मगर आप वो लोग हैं जिनकी जद्दोजहद और जिनकी मेहनत और जो रास्ते आप लोगों ने बनाए हैं उन पे आज हम लोग चलते हैं, और जितनी भी सक्सेस हमारे पास है वो आप जैसे लोगों को देखकर। मेरी आगे की जनरेशन
وہ آپ کے احسان مند ہے کیونکہ آپ نے نہ صرف ہماری جنریشن بلکہ اس ملک کی بہت بڑی جنریشن کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں جو شاید ایک انڈیویجول خاتون ایز سچ آفر نہیں کر پائے. سو یو ہیو دیٹ ڈسٹنکشن ٹو بی دا لیڈنگ لیڈی آف آر انڈسٹری. سو آئی سینک یو جنریشن فار ایوریتھنگ. آئی تھنک you are an inspiration and you will always be an inspiration. And I am very, very privileged to have your acquaintance right from the very first day and inshallah going forward. Thank you so much. You are awesome. آپ نے ریل تو دیکھی کتنا کام کیا سلطانہ نے, اب دوبارہ کیا بتاؤں میں. بات یہ دکھانا چاہیے تھی پروگرام کے بعد. بات یہ ہے کہ یہ نام ہم کہاں سے آیا, شاید سلطانہ نے غالب کا شعر پڑھا, تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں, تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے. ہم کہاں کے دانا تھے, کس عمر میں ابتا تھے, بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان. یہ ہم غالب نے اپنی کلیات میں میرے خیال میں 600 جگہ استعمال کیا ہے ہم کا لفظ. مگر جب یہ چینل دیکھا میں نے, اس کا کام دیکھا, تو مجھے بعد میں ہم کا مطلب معلوم تھا. ہم کا مطلب ہے مومنا دریڈ اور سلطانہ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں, دریڈ خاموش کھڑے رہتے ہیں, سارے ڈرامے مومنا کر رہے ہیں. اور تینوں مل کے کہتے ہیں ہم سب تو سامنے آئے. احمد بھائی, آپ کے آنے سے رونقیں بہار رہتی ہیں, مسکراتے ہیں ہم. اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ ہماری مسکراہٹیں بھی قائم رہیں اور آپ کی زندگی کے اس نمے میں ہم آپ کے وہ فینس ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں اب درخواست کروں گا مسرت مصبا صاحبہ سے, تعارف کی ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسرت مصبا صاحبہ, السلام علیکم ایوری ون, تھینک یو سو مچ سرپرائز آپ نے مجھے بلایا. اینڈ آئی وانٹ ٹیک لانگ بٹ جسٹ سے دیٹ سلطانہ صدیقی جو ہیں وہ پرائڈ آف پرفارمنس, ستارہ امتیاز, یہ ساری اپریسیشن جو ہے وہ شاید بہت کم ہے. آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. آپ نے فوجیوں کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو کچھ آپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ آپ لوگ آئندہ دیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور خواتین کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح سے آپ آگے بڑھ رہی ہیں اس طرح سے ہم سب کو ہمت کرتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. فاطمہ جان, بعض اوقات تھوڑے سرپرائز بھی دینے پڑتے ہیں, تو اس وقت کا ایک سرپرائز سلطانہ آبی کی محبت میں ایک اسٹار ہمارے درمیان موجود ہے, جو خصوصیت سے اپنے سم کا تمام کام چھوڑ کر یہاں آیا ہے. درخواست کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں چھوٹی بہن بھی آنا کے مائرہ خان سے.
Assalamu alaikum. Sultana Appa jo chahti hain wo karke rakhti hain, which is amazing. Sultana Appa, I'm actually very honored to be here amongst all of you and obviously this entire panel, especially you and my mom. Ek cheez jo mujhe Sultana, actually do cheeze hain jinke baare mein baat karna chahungi. Maine actually apni zindagi mein kabhi kisi ko nahi dekha jinhone apne businesses ke naam apne bahuon pe rakhe, really. And I think she could have named it Duret Productions, or Shunet Productions, Junet Productions. But the fact that she named her production houses Momal Productions and Momala Duret Productions in itself is actually the one thing you should know about Sultana Siddiqui. She is a feminist before it was cool to be a feminist. And that is something that I admire about you so, so much. Another thing about Sultana Appa is, kyunki main hum mein kaafi arse se reh rahi hoon, mujhe lagta hai. Aur ek time tha jab main wahan bas baithi rehti thi, kabhi koi script, kabhi kuch. Aur mujhe yaad hai, itne saalon mein ek dafa bhi maine Sultana Appa ko muskurate ya kuch karte hue nahi dekha. हमेशा कुछ ना कुछ करनी होती थी. अगर बाहर जा रही हैं तो अच्छा मुझे यहाँ जाना है, मैं ये कपड़े खरीदने जा रही हूँ, अपनी पोती के लिए ये लेना है, या फिर स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ. देयर वाज ऑलवेज समथिंग शी वाज डूइंग एंड ऑल दीज इयर्स दैट इज अ टेस्टमेंट टू हु शी इज. सो सुल्ताना अप्पा, आई होप दैट मोर ऑफ अस कैन बी लाइक यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज मच यंगर टेलिंग मी बहुत शुक्रिया. मैं बगैर तारीफ के सब जानते हैं और सब तालियां खुद ही बजाएंगे अदनान सिद्दीकी. बस आज में खातिन हजरात, आप इतना चलते रहेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा. सुल्ताना अप्पा, मेरी वालदा का इंतकाल बहुत मेरे बचपन में हो गया था, तो अगर मेरी वालदा होती तो आपकी तरह होती बिल्कुल. साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि मेरे शुरू के कामों में मैंने आपके साथ एक काम किया जो दिल का मामला है. वो कहते हैं द क्रेडिट गोज टू अ पर्सन हु हैज इन्वेंटेड अ टायर नॉट अ बाइसिकल. तो टायर आपने याद किया, आज मैं जो कुछ हूँ आपका भी उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है. बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना अप्पा. आपके तवस्सुत से अभी एक सीरीज आने वाली है जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी, उसमें कौन कौन नहीं है? नूरुल तलत हुसैन साहब नहीं है, कबीर साहब नहीं है, उसके अंदर जितने भी हजरात जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, अगर वो शायद जिंदा होते तो वो भी होते उसमें. कहने का मकसद ये है कि आपने क्या नहीं किया, आपने वो कर दिखाया जो शायद कोई भी नहीं कर पाया. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सदा बहार रखे, हर हमेशा इसी तरीके से रखे. कुछ थोड़ा सा दोस्ती का रंग भी आना चाहिए महफिल में और मोहब्बतों का भी. मैं मोहतरमा मेहताब अकबर राष्ट्रीय से बर्खास्त करूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुल्ताना को यहाँ बैठ के मेरे सामने वो तमाम माह साल और महीने और मुश्किल राहें और मुश्किल मरहले, आसान राहें और दुश्वार राहें, क्या कुछ मेरी आंखों के सामने नहीं फिरता. अनीस मेरे बराबर बैठी हुई हैं तो हमें हम जुबैदा कॉलेज कैसे भूल सकते हैं, जहाँ की टीचर्स ने हमें बोलना सिखाया, उससे सबसे ज़्यादा उन्होंने हमें एतमाद बख्शा, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सबक सिखाया. इस वक्त जो आपको एक बहुत कंपोज्ड सुल्ताना
नजर आती हैं वो खेल के मैदान में और जिंदगी के मैदान में, जहाँ मुश्किल पेश आई वो यूं करके खड़ी होती थी, आओ क्या करना है। तो ये हमारी मैदान की वो खिलाड़ी रही है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिंदगी आसान भी होती है, दुश्वार भी होती है। दुश्वार और आसान रास्ते किस तरह से, कठिन रास्ते किस तरह से गुजारे जाते हैं आप सबको पता है, सबकी जिंदगियों की यही कहानी है। लेकिन अल्लाह कामयाबी उसको देता है जिसका दिल जहन जमीर साफ हो, दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचे। और जहाँ का मामला है, प्रोफेशनली शी इज एन आउटस्टैंडिंग वूमन। अभी पता नहीं कल परसों मुझे कहा गया कि कुछ लिखूं मैं सुल्ताना पे, और मैं इस्लामाबाद में थी और रात को थक के चूर होके इस्लाम असेंबली से बैठी हुई थी और मुझे ख्याल नहीं आ रहा था। सुबह उठी तो मैं चौंकी, उसकी किसी एक प्यारी बहू ने मुझसे फरमाइश की कि कुछ लिखें, तो मैंने उसका उन्वान जो लिखा वो मैंने लिखा द फाइटर एंड द कॉन्करर। जो लड़ती है और जीतती है, और ये सलाहियत अल्लाह ने किसी किसी को दी है। तो सुल्ताना जहाँ मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, हम उस पर इस तरह से जो आज जमा हुए हैं वो इसलिए नहीं कि वो उसको कोई एक फॉर्मल ट्रिब्यूट है, लेकिन ये मोहब्बतें हैं, ये सारी मोहब्बतें हैं जो ये आज समेट कर जाएगी। ये इसलिए सब लोग बैठे, और आप ये देखिए कि इस मजमे में एक से एक ऐसे शख्सियात हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियात हैं। तो सब जो यहाँ जमा है वो उनकी मोहब्बतों में जमा है। सुल्ताना ने एज अ प्रोफेशनल डायरेक्टर की टीम पे जो आगाज़ किया वो राह उसके लिए कुछ आसान नहीं थी। अगर उसने किसी भी फील्ड में, चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम रोशन धारा जिसमें आपने दो चार तस्वीरें देखी होंगी, मेरी भी नहीं पहचाने होंगे, इतनी सी थी हूँ, और इसी तरह ये भी इसी तरह होती थी, लेकिन बच्चों के उस प्रोग्राम में सारे बच्चों को लेकर आना, लियारी के बच्चों को लेकर आना, अपने भांजे भतीजियों को लेकर आना, अपने बच्चों को लेकर आना, उसने ये तस्वीर नहीं दिखाई जिसमें दुरैद मेरी गोद में सो रहा है। तो हम रिकॉर्डिंग करते थे प्रोग्राम की, मैं हैदराबाद से आती थी तो हम दो दो एपिसोड्स कर लेते थे, कभी चार चार, तो ये बच्चा तीन चार जब शोज रिकॉर्ड होंगे तो वो सो जाता था बराबर में, शायद चुनैद भी नजर आ रहा होगा, चुनैद भी होगा। तो हमारी मोहब्बतें इतनी ही पुरानी है, इतनी ही गहरी है। हैदराबाद में इनके इनका घर एक कोने पे और एग्जैक्टली दूसरे कोने पे हमारा घर, तो हम ऐसे इन्हें खड़ी होकर अगर मैं देखूँ तो वो नजर भी आ सकती थी। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो इनको ये इज्जत दी है और इस तरह की जो प्रोमिनेंस है वो घर बैठे नहीं मिलती है, उसके लिए बड़ी तवज्जो करनी पड़ती है। जो अनीस ने बताया कि रात के दो दो बजे, मतलब अगर एडिटिंग करनी है तो टाइम मिलता था कि जी पूरी रात का टाइम है आपके पास, तो वो पूरी रात गुजार के एडिटिंग करते, बच्चों को फिर स्कूल भी छोड़ती थी। मुझे ये भी पता है कि शुनैद जब पटारो में पढ़ता था तो उसको कराची से पटारो कॉलेज जो हैदराबाद से आगे वहाँ छोड़ने जाती थी, और जब इसको आना होता था तो खुद जाती थी और उसको लेकर आती। तो आप औरत को जो कहते हो ना कि घड़ी में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, तो मेहरबानी से ये अपने दिमागों से नहीं निकला, जिसका भी ये फलाज से वो निकाल लें, बहुत मजबूत है औरत, मजबूत है। आप समझिए कि वो घर में रह के सब कुछ कर सकती है, जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है वो अपने आप को मनवाती है। पाकिस्तान टेलीविजन के जितने प्रोग्राम्स अपनी जगह पे, लेकिन साउथ एशिया में आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो एक चैनल किसी की जो हेड है जो खोला है औरत ने, वो सुल्ताना सिद्दीकी है। और सिर्फ एक चैनल नहीं है, अगर ड्रामे है तो आउटस्टैंडिंग है, अगर म्यूजिक प्रोग्राम है तो वो आउटस्टैंडिंग है, अगर बच्चों के प्रोग्राम है तो आउटस्टैंडिंग है, और अगर चैनल खुला है तो वो अकेली है, और उसके साथ फिर खाने का जो हम मसाला है वो क्या मसालेदार है, इसको देख के सबने मसाले खोलना शुरू किए। कहने का मतलब ये, बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत सारे दोस्त सहबाब इधर हैं, लेकिन हम सब में सुल्ताना सिद्दीकी एक ही है। खुदा हाफिज़।
ساتھی حضرات مہمان میرے پاس اتنے ہیں اور مختلف شعبوں کے ہیں, جہاں نظر پڑتی ہے میرا دل چاہتا ہے وہ بھی میرے پاس ہو, وہ بھی میرے پاس ہو. اور سلطان آپا کے لیے کہتا رہے. میں ذرا سا کسی پہلے مہمان سے بات کرانے سے پہلے میں شاہدیب خان حضرت صاحب سے کہوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ رونق میں کوئی کمی نہ آنے پائے, کرسی کوئی خالی نہ رہنے پائے. خالی حضرت ہمارے ملک کے معروف فلم اسٹار, ٹیلی ویژن اسٹار اور ہمارے درمیان موجود محترم زیب اختیار سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائے. السلام علیکم. مجھے لگ رہا ہے میں اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں آئی ہوں کیونکہ سب اتنے پیارے لوگ موجود ہیں اور سلطانہ آپا کہوں, سلطانہ کہوں, سلطانہ صدیقی صاحبہ کہوں, میں نے ان کو جب سے میں پہلی شروع میں پی ٹی وی میں داخل ہوئی سب سے پہلا شو جو میں نے اٹینڈ کیا وہ ان کا رنگ تھا جس پر انہوں نے مجھے بلایا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کروں. انہوں نے کہا مجھے بس تم آ جاؤ. میں پی ٹی وی میں جاتی تھی تو ایک کمرے کے باہر لکھا ہوتا تھا سلطانہ صدیقی. میں سوچتی ہوں اس کمرے کے اندر کیا ہے. الحمدللہ مجھے پتا چلا اس کمرے کے اندر کیا ہے کیونکہ وہ تو شو کیا تھا. اور مجھے یہ حیرت تھی کیونکہ تب پی ٹی وی کے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز بہت بڑی چیز تھی, لیکن یہ اتنے پیار سے اتنے دوستوں کی طرح ملی اس وقت تھی کہ مجھے لگا کہ یہ وائی ڈزنٹ شی فیل فرائٹنگ, وائی ڈز شی فیل سو اپروچبل. اینڈ جو چیز میں سب سے زیادہ بڑا آئی تھنک بگیسٹ کوالٹی از کہ ابھی بھی اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد جو کہ سب بول چکے ہیں تو بگیسٹ اچیومنٹ ٹو بی سو اپروچبل کہ آپ کے آفس میں کوئی بھی آ کے اپنے دل کی بات کر سکتا ہے اور وہ دل کی بات آسمان سے لے کے زمین تک ہو سکتی ہے لیکن وہ سنیں گی بھی, سمجھیں گی بھی اور آگے سے کوئی بہت اچھی بات کہیں گی جس سے آپ کا دل کھل جائے گا, آپ کا ذہن کھل جائے گا. آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دیٹ اباؤٹ سلطانہ آپا. اینڈ اندر تھنگ آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ از کہ میں نے اتنے سالوں سے ان کو دیکھا ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے. ویری آنرڈ اینڈ پریویلیج ٹو بی ایبل ٹو سے کہ میں اس کو اپنے قریبی دوستوں میں سمجھتی ہوں اور اکثر ان سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتی ہوں. میں نے ان کو کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا, کبھی کسی پہ غصہ کرتے ہوئے نہیں. حالانکہ ان پہ بہت مشکل مشکل چیزیں گزری ہیں بٹ کبھی ان کا غصہ میں نہیں دیکھا, کبھی سخت بات نہیں دیکھی. اور جو سب سے بڑی بات ہے کبھی کسی کے آگے یا کوئی جو ان کے سامنے آتا تھا ان کو یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ان سے چھوٹی پوزیشن پہ ہیں, which is I think the biggest جو ایک بہت بڑے انسان کی شناخت ہے کہ وہ کسی کو چھوٹا ہونے نہیں محسوس نہیں دیتے. تھینک یو فار بینگ یو کیونکہ اگر آپ نہ ہوتی ہم کس کو دیکھ کے انسپائر ہوتے. بہت مبارک ہو, یو ڈیزرو دس اینڈ مچ مچ مور. تھینک یو. یا اللہ بہت شکریہ. اب میں ایک دوسرے شعبے سے جو یہاں آ چکے ہیں شاہ خان زیادہ سے السلام علیکم. میں 2009 میں بزنس کا پروگرام کرتا تھا تو دوید بھائی کو میں انٹرویو کیا کرتا تھا تو جب بھی انٹرویو ہوتا تھا لسٹڈ کمپنی ہے, لسٹڈ کمپنی کی وجہ سے ان کے فائنینشیل سے گو تھرو کرتا تھا تو یہ بار بار آگے کہتے تھے میری والدہ بہت زبردست ہے, آپ کو میری والدہ سے ملنا چاہیے, میری والدہ بہت زبردست ہے. میں ٹی وی میں ڈرامے اس وقت اتنے نہیں دیکھتا تھا مگر جب سے فالو کرنا شروع کیا اور ابھی جب شوری چل رہی تھی آپا کی تو اندازہ ہوا کہ بچپن میں اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, میوزک کے پروگرامس دیکھے ہیں, سندھی کے بہت سارے پروگرامس دیکھے ہیں, بچوں کے بہت سارے پروگرامس دیکھے ہیں, ان سب میں سلطان آپا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپا سے میری ملاقاتیں ہونے لگی 2-3 سال پہلے, انہوں نے مجھے بلایا اور ہم نے اس کے لیے بلایا کہ ہم نے اس کو ٹرائی کرنا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں
आप मुझे हम न्यूज़ के लिए ना बुलाएं, मैं ड्रामा लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस फिर आप ड्रामे के ऊपर बात करते हैं। तो उसके बाद आपा मुझसे बहुत ज़्यादा मिलने लगी मुझे गाइड करने के लिए, और मुझे मैं आपको कहता हूँ कि आप सहेली हैं मेरी, जब भी कराची होती है तो मेरे पास टाइम में आ जाओ, खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं ड्रामे के ऊपर, और फिर ड्रामे के ऊपर जब मेरी बातें करती हैं तो मुझे, मैंने उससे कहा कि आप मुझसे न्यूज़ पर तो बात नहीं करेंगे, कितने अपनी न्यूज़ पर बात नहीं करेंगे, अब तुमसे एक ड्रामा ही लिखना है। तो मैं ड्रामा लिखने में कामयाब हुआ, पापा ने बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया, बहुत कोऑपरेट किया, जितना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है और बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है। देखिए हमारे माशरे में मायरा बड़ी अहम बात कर रही थी कि जब बहुत कूल नहीं था फेमिनिस्ट होना, उस वक्त इस किस्म के काम करना, और जो काम इन्होंने किया है, चाहे वो बच्चों के हवाले से हो, चाइल्ड होलेस होने के हवाले से हो, पाकिस्तान में आसान नहीं है ये काम करना, हम टीवी पर हर वो सब्जेक्ट इन्होंने टच किया है जो कि पाकिस्तान में खवातीन के हकूक़ के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए, अभी भी एक ड्रामा चल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लोग नहीं करते, उन्हें लगता है कि कमर्शियल सक्सेस नहीं होगी, मगर करती हैं और कमर्शियल सक्सेस भी होती है। मेरा ख्याल पूरा क्रेडिट है आपा के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से कामयाब होते हैं। शुक्रिया खानदार सर, हमारे कुछ सीनियर्स जो हैं उनके भी बहुत सारे काम हैं शहर के, और उनकी मेहरबानी है कि वो इतनी देर भी हम सब के दरमियान रहे हैं। मैं हमीद हारून साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, आर्ट्स काउंसिल से हमारे शहजादा जो हैं, उनका नाम भी लेना जरूरी नहीं, सब जानते हैं उन्हें। आप सब यहाँ आए हैं टू पे ट्रिब्यूट टू सुल्ताना सिद्दीकी। मैं भी एक ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शोभा थोड़ा सा मुख्तलिफ हिस्टोरिकली था, क्योंकि सुल्ताना की इतनी वाइड फुटप्रिंट है कि जिस पहलू के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो मीडिया है, लिटिल मोर देन दैट बट एसेंशियली मीडिया। पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि सुल्ताना सिद्दीकी इज अ मॉडल वुमन। समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट पीपल लाइक सुल्ताना सिद्दीकी आर नॉट बोर्न ऑटोमेटिकली विद इन पाकिस्तान सोसाइटी। बंदा बाहर से सुल्ताना सिद्दीकियां होते हैं। There were two specific conditions that I would like to identify and possibly a third. The first is that Sultana Siddiqui was born in a family not of great wealth but of great intellect and drive. Other people in that society, including Sultana's own children and her nephews and nieces and her brothers and sisters, have all performed at very major levels. Her shrewdness is possibly well demonstrated by the fact that even her daughters-in-law have performed exceptionally with Bhagavata. And I think that is the first facet of Sultana's past one needs to identify. She didn't come from nowhere. She came from a family with a work ethic, and she imbued that work ethic in her children. That work ethic was present in those who married within her family, and it is this seeming unity but actually a major conundrum of energy, creative energy and destination which has built Sultana into the strong figure that she is viewed as today. तीसरी बात यह है कि सुल्ताना worked herself from the very bottom of the ladder and did so with a remarkable strength. For those years she was unique in her own respects. There were very few women in the media, more perhaps than we see today outside television, but not much more. All the women who worked in that period worked with a tremendous commitment, a tremendous ability, and a tremendous sense of performance.
I think we need to point out the third facet of Sultana's rise, which is that she worked within PTV, not the moribund, useless PTV that it has become today, but that PTV from Ashraf Azhar's time onwards was a powerhouse which attracted some of the greatest creative minds in this country and is strongly part of our memory. She came out of that revolution, so Sultana has not emerged from nowhere. But what she set out to do was completely different, and this is the focus of the comment I want to make. Sultana became somebody who set up a media organization. Here, Sultana was not performing as a woman. She used her intelligence and her gender to be able to mobilize all those strengths which her career shows. But she performed in an exclusively male domain. There were women who headed media before her, but the best of them struggled and succumbed to the kind of pressures that media puts on all people who run it. There was Ibn-Usa Hamidullah who ran the Mirror, there was Zora Qureshi, there were so many people. There was Razia Bhatti along with Rehana Hakim. All these people set up media and they were women. It required a tremendous willpower. And sadly, Sultana is one of the few who remains with us today. But we must understand that Sultana set up as head of a media conglomerate in a man's profession and a man's world. She competed with men. She excelled men. She had more insight than men. She had more compassion than men who were sitting in the industry. And she had hard work. All along this period, she was a mother. And I think that it would be fair to say that in bringing up her children as a single role mother, as a single mother role, there is not a better lesson she can impart as a role model in society. But I don't need to speak of Sultana's achievements in this field. Yes, it's absolutely true that without her creative energy, Hum and its subsidiary channels would not have moved on to Hum News. And the process does not seem to have closed down. There seem to be new areas of activity, including recreation, including parks, including tapping the social matrix for social activism, which Hum seems to be indulging in today. But we all up here know that Sultana's work as a role model, her success as the head of media in a man's world, being an exemplary mother, her being a potent creative source rising from the PTV revolution, anything that allowed women and men to work together and challenge some of the mores of government and social thinking can only be called a social revolution, despite many of the dictatorships that existed at the beginning and the middle of the PTV cycle. But I'm going to make one last comment, which is about something else. What does Sultana do now? There's nothing more she can prove in media except to show how it can be run. And I think she has enough successors in her family and amongst her professional colleagues not to worry about that. They always need her influence, her sense of wisdom that she imparts, her sense of caution, but above all, that little bit of creative recklessness that makes her a media legend. So what does Sultana need? And I think she's established she's a role model, but now there is a role for Sultana. It's not just her film institute. It is, and this is my last entreaty to her, that she needs to establish a task force. And that task force needs to be absolutely concentrated on the focal issue of women in Pakistani society, how they are depicted in media. We all know that culture, politics,
and policies are in the hands of government and the ruling class in this country. I'm sorry, but the ruling class and government in this society do not show much interest either in women or their welfare or their movement forward in the future in Pakistan. I think that Sultana needs to form a task force which looks at, firstly, some of the fundamental issues like the employment of women in media. There are more women in television, perhaps, but elsewhere in the media, the numbers are going down. And one of the reasons they're going down is that despite the fact that many women in media are being paid less than men, the kind of facilities that govern, the parameters that govern a woman's life, all the way from as simple an issue as toilets in their place of work, as simple an issue as shift timings and transportation, all this inhibits the progress of women in Pakistan. She needs to focus on the smaller side of these issues, on the larger side. Despite the number of women that have flowered in Sultana's regime, despite the high summer of seeing women on screens, their problems, there is still a very powerful undercurrent in Pakistani society which relegates women to roles which don't entitle, which don't give them respect, and which influence society into not being able to acknowledge them as powerful and individual human beings who need to have their psyche nurtured to be able to bring up the future of this country and satisfy and fulfill themselves. A task force on this, and she liaises with the Commission for Women, she acts as a pressure group on Parliament, she institutes moves in media herself. One of the most sad stories is, despite Sultana today and despite a thriving television and cinema industry, we have one thing which the classic Bombay industry in the 30s and 40s never lacked. I'm looking at Memuna while I'm saying this, but she's looking like she's frowning. We lack scriptwriters of major magnitude. It is the scriptwriters who will be able to create that depiction of women which can influence government and the readership and the audience to be able to move the concept of women forward in a far more liberated fashion than we're doing. And who better than Sultana Siddiqui to perform this task? Sultana Siddiqui, congratulations to you, Sultana Shah, and to everybody here, and I thank you for being patient with me. Fankar, Danishwar, Sahafi, ek kasha hai, rang hai, aur woh hai, kiski wajah se, uski wajah se, jisne apni zindagi par rang hi bikhere aur is duniya ke rang ko badalne ki jiddiyat ki. Shukriya Sultana. Ab main tijarat ke shobe se ek bada naam, banking ke hawale se bhi aur is mulk ke iqtisadiyat ke hawale se bhi darkhast karunga muhtaram Arif Habib Shah. सबसे पहले मैं अनुशासन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल में शामिल किया, और वो महफिल भी जो है सुल्ताना आपा की ट्रिब्यूट के लिए है. सुल्ताना आपा के बारे में जो है वो बारे में काफ़ी बातें हुई मुझसे पहले, और उसमें उनको एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो है वो सराहा गया. उनको एक्सेलेंस के उसमें जो भी काम उन्होंने किए उसमें हमेशा एक्सेलेंस नज़र आता है. और फाइनली मैं एक और उनका जो आई थिंक रोल है, और वो है ब्रांड का, कि उन्होंने एक ब्रांड जो है अपने आप को मनवाया है, और उसके बारे में मैं कुछ और बातें करूँगा. मैं जो उनकी एक्सेलेंस है उसके बारे में सिर्फ ये कमेंट करूँगा कि मैं उनके बच्चों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है बीइंग ए कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट, और मैंने उनके बच्चों में देखा कि वो इंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं उनके पास, उन्होंने
sugar, cement, media industry, IT industry, sab mein alhamdulillah, unhone jo hai wo bahut acha apna maqam jo hai wo hasil kiya hai. To mujhe bahut ye dekh ke khushi hoti hai Sultana Appa ki jo aapki excellence hai wo aapne apne bachchon mein jo hai wo translate ki hai aur translate ki hai aur wo nazar aati hai jiske baad jisko dekh ke jo hai bahut zyada khushi. Aapki bahuon ko bhi hum dekhte hain alhamdulillah, वो भी अपने अपने शोरूम में जो है नाम रखती है. फिर ये है कि ये आपके बारे में था कि आपका जो है सितारा इम्तियाज जो है वो आपने हासिल किया और साथ ही साथ आपके बच्चों ने भी जो है सितारा इम्तियाज हासिल किया, दुलेद को जो है मिला और अभी मलाइका जो है उनको जो है वो भी सितारा इम्तियाज जो है इसी साल जो है वो मिला. ये बहुत ही ज्यादा देख के खुशी की बात है कि सुल्ताना आपा की लेगेसी अपने नए दो जनरेशन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो रही है और इसके बारे में जितना भी आप फख्र करें और हम सब फख्र करें जो है वो काम है. जहाँ तक के आपके जो एज ए ब्रांड के जिसे मैंने बताया कि हम जो है वो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और हम नेटवर्क जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और स्टॉक एक्सचेंज में ये 2005 में जो है वो लिस्ट हुआ था और पहली ये मीडिया कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो लिस्ट हुई और लिस्ट होने का मतलब ये है कि आपने जनरल पब्लिक को अपना पार्टनर बनाया, जनरल पब्लिक को अपना पार्टनर बनाया, उनको आपने शेयर ऑफर किए और आपने अपने सारे जो एक्टिविटीज है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया. क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप लिस्टेड है तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देने होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है, आपको जो है वो रेगुलेटर जो है वो की रेगुलेशन आपको बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक वे में जो है वो देख रही होती है तो उसको वो इंश्योर करती है कि आप अपने सारे जो है वो मामला को जो है वो ट्रांसपेरेंट रखें. तो जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज में जब आप एज ए शेयर होल्डर होते हैं और पब्लिक शेयर होल्डर्स भी होते हैं तो बहुत सारे लोग चूंकि ये आई थिंक हम नेटवर्क जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल मीडिया कंपनी जो है वो है और इसकी इसमें जाहिर की तमाम जो ग्रुप और फैमिली की जो है वो काबिशें शामिल है और मार्केट ने उसको हमेशा जो है सराहा और अप्रिशिएट किया. और इस तरह मैं कुछ नंबर आपसे जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि 2005 में ये 500 मिलियन रुपीज की जो है वो कैपिटल से हम नेटवर्क जो है वो शुरू हुआ था, आई टेलीविजन के नाम से पहले इनका था. वो 500 मिलियन रुपीज का कैपिटल है, आज उसकी वैल्यू जो है वो 11.5 बिलियन रुपीज है. तो जो भी शेयर होल्डर है, जो शेयर होल्डर है जिन्होंने 500 मिलियन रुपीज की जो है वो वैल्यू पे इनके साथ इन्वेस्टमेंट की 2005 में, आज उनकी वैल्यू जो है 11.5 बिलियन और इसके साथ साथ इसी पीरियड के अंदर जो है 1.4 बिलियन रुपीस का जो है वो डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को जो है वो सालाना बेसिस पर जो है वो दिया गया. तो वो भी एक जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइड है. फिर जब आप स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं तो ये कॉर्पोरेट ट्रेडर्स भी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपनी शेयर होल्डिंग को जो है वो बढ़ाया जाए और जो जो मैनेजमेंट है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश होती है. दोस्तों जब ये मामला हुए तो मैं सुल्ताना आपा को कहता था कि आप खुद ब्रांड है कि जहाँ ये कंपनी जो है वो आपसे है, यानी आप जहाँ भी खड़े होंगे हम वो होगा, ये नहीं होगा कि कोई और आके भी नहीं होगा. आप जो है वो उसमें ब्रांड है, आपके बच्चे जो है उसके ब्रांड है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट के अंदर जो है वो एक गुडविल क्रिएट हुआ है और मैं समझता हूँ कि और खास तौर पर मैं ये देखता हूँ कि आप मीडिया इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में चूंकि बीइंग कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट मेरे पास दुलेद भी जो है वो आते हैं डिस्कस करते हैं और उसमें इंटरटेनमेंट को कमर्शियली वायबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा उनकी तरफ हो और कमर्शियली वायबल बनाने का मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर्स हों. आप उसमें जो अदाकार हैं अगर वो कमर्शियली वायबल है तो उनके लिए एक अच्छा जो है कम्पनसेशन जो है होगा और टेक्नीशियंस हैं और सारे लोग जितने हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं उनको जो है वो भी जो है वो उनके लिए जो है वो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करना
ये बहुत जरूरी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तमाम जो मीडिया इंडस्ट्री है उनको चाहिए कि वो ये हम के जो मॉडल है उसको फॉलो करें, उसमें जनरल पब्लिक को जो है वो पार्टनर बनाए, उसमें तमाम जो अदाकार हैं, उसमें तमाम और टेक्नीशियंस हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शामिल करें। तो मैं इन तमाम जो कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो सुल्ताना को मुबारकबाद भी देता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने तमाम इन लोगों में आप लोगों के साथ शामिल रहा। थैंक यू। शुभ कोई भी हो, लोग किसी भी शोभे से ताल्लुक रखते हो, लेकिन सुल्ताना आपकी की मोहब्बत में सब घिरे चले आते हैं। इस वक्त हुकूमत सिंध सुबह सिंध के तमाम इंतजाम के निगरान और तमाम मामला को चलाने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं और सुल्ताना आपकी मोहब्बत में मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ सेक्रेटरी से सैयद आसिफ हैदर शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शाह साहब सुल्ताना का एंड बहुत सारे मौजूद लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको जानता हूँ, मुझे शायद कोई नहीं जानता होगा। मैं शोबे से तो नहीं हूँ कि उस चीज़ पे कॉमेंट कर सकूँ, बचपन से सुल्ताना पर काम देखते जरूर आ रहे हैं। ईच टाइम शी कम्स विद समथिंग नॉवल, शी इज अ टॉर्च बेयरर, नई चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई इतनी समझ हमें भी आती है। मैं वी नो द फैमिलीज, हम दिस इज द थर्ड जनरेशन, सुनैद इज द फ्रेंड, मेरा बेटा और सुनैद का बेटा जो है दे आर फ्रेंड्स एट लास्ट में। सो इन वन सेंटेंस, एज अ पर्सन आई थिंक शी इज अ पर्सन लार्जर देन लाइफ, और बड़ी खुशी है, इज्जत की बात है। बाकी मैंने तो अहमद शाह साहब से कहा था कि इतने सारे काबिल लोग हैं तो मेरे जैसे जाहिल को ना ही बुलाया करें, उसकी दो ही रिजल्ट हो सकते, या तो मैं आना छोड़ दूंगा या लोग आना बंद कर देंगे। दुनिया जब से कायम है दुनिया में आने वालों के लिए माँ की अहमियत बहुत रहती है और माँ की तरबियत, माँ की निगरानी और माँ की मोहब्बत से ऐसे ऐसे हीरे पैदा होते हैं जिनकी दुनिया कदर करती है। इस वक्त एक माँ के लिए एक बेटा क्या बोलेगा ये सुनिएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ सुने फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू बीइंग फॉर बीइंग हियर। मेरे ख्याल में मेरे आने से पहले हर स्पेक्ट्रम पे लोग बात कर चुके हैं और चाहे आंटी अनीस हों, दोस्त हों, आरिफ अबीब साहब हों, अमित आदमी साहब, ऑल ऑफ देम एंड दे हैव स्पोकन अ लॉट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो है मोस्ट ऑफ द पीपल सिटिंग हियर दे नो योर फैमिली, दे नो मी, दे नो मॉम एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। बट मैं कुछ क्विकली बिकॉज वन और टू मिनट्स, सो आई वुड से के सबका यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं आप सबका रिश्ता स्पेशल है फैमिली के साथ। बट आई थिंक रियली टू से दैट आई हैव अ बॉन्ड एंड अ रिलेशनशिप व्हिच इज कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। शी इज अ सिंगल मदर एज ऑल ऑफ यू नो। I was 6 years old when this journey started. Of course, when I was born, this journey started. But 6 years, and then from then on, there is a whole cycle of 55, 56 years. बाकी सब एस्पेक्ट्स पे तो हम बात कर चुके हैं, but एक एस्पेक्ट आई थिंक जो थोड़ा सा टच हुआ है, ज़्यादा टच नहीं हुआ है, which is her entrepreneurship. मतलब she started in TV, as everybody said,
उसमें जब एक इंटरेस्टिंग बात और की है, वो दो बात करेंगे, एक एंटरप्रेन्योरशिप पे और एक पेरेंटहुड पे, जो कि आई थिंक थोड़ी ज्यादा कर लूंगा. शी वॉज डूइंग एज ए सिंगल मदर टीवी पे काम भी करती थी, शाम को आती थी, हमको पढ़ाती भी थी, दूसरे दिन स्कूल का जो चीज़ें थी वो भी देखती थी, घर का भी काम करती थी. दैट कैरी ऑन हार्ड वर्किंग ऑफ कोर्स. बट व्हेन आई गॉट मैरिड देन शी स्टार्टेड डूइंग ड्रामा. उससे पहले वो कहती थी कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को मैं पूरी अटेंशन दूँ, जो कि ऑफकोर्स शी गेट. आई नेवर हैड अ सिंगल डे कंप्लेन विद सच हार्ड वर्किंग वुमेन कि शायद मुझे अटेंशन नहीं मिला. आई यूज्ड टू एंड स्टिल थिंक दैट मुझे ही अटेंशन मिला और काम दूसरे साथ होते चले गए. सो शी डिड हर फर्स्ट ड्रामा, ऑफ कोर्स नॉट मेंशन्ड हियर, आफ्टर शी फॉट लॉट इन पीटीवी कि उर्दू ड्रामा ये नहीं कर सकती और ये म्यूजिक प्रोग्राम करती हैं और दूसरे प्रोग्राम करती हैं. तो शी गॉट हर चांस एंड दैट वॉज मार्वी, ग्रेट सक्सेस, आई थिंक लॉट्स ऑफ अवार्ड्स. इन द लास्ट डायरेक्शन शी डिड विद सनम, आई थिंक इट वॉज जिंदगी गुजार है, अगेन अ ग्रेट सक्सेस. So wherever she has gone, she has excelled, everybody said. So this is a career moving on. As a parent, she knows her priorities. इस एज में बच्चों को टाइम देना है, इस एज में अपने करियर को थोड़ा शिफ्ट करना है, इस एज में एंटरप्रेन्योरशिप पे चल जाना है. सो दिस इज ऑफ कोर्स वन एस्पेक्ट. पेरेंट्स अब सबने बात के लिए अच्छी ब्रदर्स यू नो डजंट लुक गुड बट आई वुड लाइक because we are complimenting her, so I would like to tell something that we are three brothers and the eldest one, Junaid, is in US and Rahil sir. So I was telling her last year that jab Joe Biden president bana, to usse ek mahine pehle he was in Junaid's house as a personal friend and had dinner and everything. So I told her that you are such fortunate mother ki aapke teenon bacche heads of states in their own countries, they are privileged, you know. This shows something. Lots of things I have written, but I think I will give a chance to other people to speak. But entrepreneurship, aaj bhi humse zyada entrepreneur hain. Aur every evening, I promise, I kid you not, every evening I come home, kya hua मम्मी, ये हुआ, फलाना काम हुआ, मम्मी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ. एंड दिस इज नॉट मी ओनली, दिस इज दुरैद, दिस इज जुनैद, अमेरिका में भी रिपोर्ट लेती हैं डेली कि उस चीज का क्या हुआ है. सो आई थिंक एज आदर सर सेड कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स रहे, तीनों रहे, बट आई प्रॉमिस यू दैट स्टिल टुडे शी इज अ फार बेटर and far more motivated entrepreneur than all three of us. जब हम चैनल बना रहे थे तो सही खुद ने कहा जाओ मैं तो बात कर लूंगा. जब हम चैनल बना रहे थे तो अम्मी बना रही थी तो नए लाइसेंसेस मिल रहे थे. At that was Jio and AIY was there. She started her private directions and she gave one play, sold one play to Jio, which was a great success. ऑफ कोर्स फिर इन्होंने वो लाइसेंस लिया. मुझे अभी तक याद है मेरे शकील रहमान साहब हमारे घर आए और वो सुबह कोई 11 बजे घर आए और जियो वॉज अ बिग ब्रांड एट दैट टाइम ऑल्सो एंड ही वॉज देयर आई रिमेंबर. वो बाद में पता चला कि क्या हुआ, ही वॉज देयर टिल 8 o'clock, ही हैड लंच एंड ही हैड डिनर. तो जब वो चले गए मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि वो कह रहे थे कि आप चैनल नहीं बनाए. तो मैंने कहा क्यों, कहने लगी कि आप, वो कह रहे थे कि आप ड्रामा बहुत अच्छा बनाती हैं और आप ऐसा करें कि अपने 10 साल के सारे ड्रामे में आपसे साइन कर देते हैं, आप चैनल नहीं बनाएंगे. तो बट एज एन एंटरप्रेन्योर शी इज, उस वक्त कोई एक्सपीरियंस नहीं था, शी वॉज अ ड्रामा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड शी स्टार्टेड दिस एंड ऑल अदर इज हिस्ट्री. लास्ट इज दैट अकम्प्लिशमेंट, यू नो मैंने लिखी काफी चीजें थी बट शी हैज एक्सेल्ड इन एवरीथिंग.
And as you said, not only in her entrepreneurial spirit, in her drama production, in her direction, but you can see in her friends, all the friends today in here, everybody will promise to you, and they have said that yes, sabse achhi meri dost hai. So, jo yahan aayega, ye kahega, ki nahi ye meri sabse achhi dost hai. So, ye sabse badi aadmi ki accomplishment hoti hai. कि आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, जो पर्सनल लोग हैं, वो भी आपसे इतना ही क्लोज फील करें. तो मैं समझता हूँ कि वो मैं सबसे क्लोज हूँ और वो मेरी सबसे क्लोज मदर है. तीनों खुश नसीब बच्चों में से बोल रहे थे और वाकई मुझे जितना समझ आया वो एक ही जुमला है, मामा छड़िया छावा. हजरत, अब मैं एक मारूफ स्टार को बुला रहा हूँ. मुझे ज्यादा कुछ बताने की इसकी जरूरत थी कि आप सब उसके फैन हैं. हिमायूं से सुल्ताना के बारे में क्या कहूँ. सूरज को चांद क्या वो लाइन भूल गया मैं. लेकिन आपको बेस्ट लाइन जो थी ना, जो बेस्ट लाइन थी ना वो ये थी, तुम छा गई हो सुल्ताना. ये बेस्ट है वो वाली बात उसके लिए. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं पहले ये शुक्रिया अदा करूंगा सर का, आपको उन्होंने ये ट्रिब्यूट दिया, आपको जितने ट्रिब्यूट दिए जाए कम है. मैं इनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि आज इंडस्ट्री जहाँ पहुँच चुकी है, जहाँ हमारा ड्रामा पहुँच चुका है, जितनी कामयाबी ड्रामे को मिली है तो उसका रीजन सुल्ताना है. हम पास के लोगों को कहते रहते हैं कि हमने आपसे बहुत सीख लिया, सभी लोग कहते हैं हम तो आज तक सीख रहे हैं, हमें छोटे भी सिखा रहे हैं, बड़े भी सिखा रहे हैं, लेकिन प्लस भी सुल्ताना आप. तो मैं अपनी बात करूं तो मैं जितना भी मैं जो भी मुझे आज मुकाम हासिल है वो इनकी वजह से. मैंने पहली प्रोडक्शन में इनके काम किया, उस वक्त असल में 95-96 में मैं आया हूँ इस काम में, तो उस वक्त पीटीवी में कम काम होने लग गया था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम शुरू हो गया. तो मैं पीटीवी का कोई सीरियल नहीं कर सका, लेकिन सुल्ताना आपा ने जब मुझे पहली बार बुलाया और मुझे कहा कि ये सीरियल तुमने करना है ये जिंदगी, तो मैंने कहा सीरियल आपका पीटीवी पे चलेगा. हाँ वो चलेगा, लेकिन वो पीटीवी में शूटिंग नहीं होगी. खैर मुझे तब पता चला कि ये तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप लोग सब जितने मजे कर रहे हैं सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, वो इनका विजन है. इन्होंने इस विजन को आगे बढ़ाया, इस काम को आगे बढ़ाया, जहाँ मैं इनसे सीखा कि मुझे भी प्रोड्यूसर बनना चाहिए. मैं इनके साथ पहली बार इनकी प्रोडक्शन कर रहा था, जो इन्होंने पहली अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन की दूसरी दुनिया. तो छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं हमारे वीजा लगते थे, हम अंदर गए और अब किसी का वीजा लगा किसी का नहीं लगा. जब हम सुबह सुबह बाहर निकले हैं एम्बेसी से इस्लामाबाद गए, तो देखा सुल्ताना आपा बाहर बैठे सुबह को 8 बजे 8:30 बजे, तो आपकी बैठे. अरे वीजा लगा कि नहीं लगा ये बता. अप्रूव हो गया, इन शाला लग जाएगा, सप्ताह लग जाएगा. फिर वहाँ पर जब शूटिंग होती थी अमेरिका में, अब उस वक्त जो है वो परमिशंस के बड़े इशू होते थे, हमें सही तरीके भी नहीं पता होते थे, आप वहां खड़े होकर वो सीन्स करवाते थे. तो फिर जब मैं अपनी प्रोडक्शन करने गया और मुझे काम बहुत मुश्किल है, मैंने कहा मैं किस काम में फंस गया, तो मैं ये बड़ा पेन है, बड़ा पेन उठाना पड़ता है. तो मैंने सिर्फ ये याद किया जब मैंने सुल्ताना आपा को पेन उठाते हुए देखा, मैंने कहा जब ये उठा सकती है तो फिर मुझे नहीं उठाना पड़ेगा. तो आपा वो हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आपका साया हमारे सर पर रखे, इस इंडस्ट्री पर रखे, क्योंकि इंडस्ट्री जो भी है वो इनकी वजह से. थैंक यू. फनकारों की मोहब्बतें, आप जरा ड्रामा निगारों की मोहब्बतें और दोस्ती हैं नूरुल का शाह. बहुत सी बातें हो गई,
और मैं कुछ और बात करती. सुल्ताना मुझे आपा नहीं कहने दिया इन्होंने. मैंने उनको अदी कहा, उन्होंने कहा नहीं सुल्ताना कहो. मैं समझ गई कि ये दोस्ती का हाथ है, इसलिए मुझे कहनी है कि सुल्ताना कहो. सो मैंने सुल्ताना ही कहा करती हूँ. देखिए यहाँ बहुत से लोग हैं बैठे हुए स्टेज पर हॉल में जिन्होंने बेपनाह शौहरत भी देखी है और इज्जत भी देखी है, मोहब्बत भी देखी है, दौलत भी देखी है. शौहरत के बायस जो दौलत आती है, लेकिन देखा ज़माने में ये है कि शौहरत को बका नहीं है, दौलत को भी बका नहीं है. बका आती कैसे है? जिसे अपने नफ्स पर कंट्रोल हो, जो तकब्बुर को अपने करीब ना आने दे, जो उन लोगों को भी जगह दे, जो उन लोगों को भी जगह दे जिन्होंने उनके रास्ते रोके हों. अभी ये बहुत बात हुई, मेहताब ने बात कही खासतौर पर, मुश्किल रास्ते, आसान रास्ते वगैरह वगैरह आपने सारा सुना. एक वक्त वो आया जब मुझे पता था, बताती थी किस किस ने रास्ता रोका, ड्रामा में आना चाहा पीटीवी पर किस किस ने रास्ता रोका, और पहला ड्रामा जो ये टेलीविजन पीटीवी पर ले आई वो मुझसे लिखवाया. लेकिन फिर वो वक्त आया कि रास्ता रोकने वाले के दरवाजे पर खड़े थे. मैंने उनको कहा न सिर्फ इनकी सलाहियतों का रास्ता रोकने वाले, इनकी जाती जिंदगी का रास्ता रोकने वाले भी इनके दरवाजे पर खड़े थे. मैंने उनको कहा कि क्यों आने देते, जरा वेट करवाया करें, ठहरा करें बाहर. तो कहने लगी ये नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि फिर ऐसा होगा, मुझे लगेगा कि मैं बदला ले रही हूँ, ये मेरा जरूरत है. जाती जिंदगी में भी रास्ता रोकने वाले दरवाजे पर आकर खड़े हुए, बताया मुझे माफी के लिए. मैंने कहा आपने माफ कर दिया? हाँ कर दिया, तो माफी तो करना है. मैंने कर दिया, इतनी आसानी से मुझे बता दिया मैंने माफ कर दिया. ये जो चीज है, ये जो जर्फ है, ये जो इनके सारी है, ये चाहिए. तभी शोहरत को भी बका है, तभी दौलत को भी बका है, आपको माफ को भी बका है. इनके अभी ये भी मेहताब ने जैसे आपको बताया हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद के कुछ और भी बड़े नाम यहाँ बैठे हैं, और बड़े फख्र की बात है. एक ही वक्त में ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही वक्त में, एक ही दौर में, एक ही उस्ताद के छांव तले से सुल्ताना सिद्दीकी निकले, शहमीजा रियाज निकले, मेहताब राष्ट्रीय निकले, अनीस हारून निकले, और बहुत से यहाँ जो मौजूद हैं. ये बहुत कम होता है उस किसी एक उस्ताद के छांव तले से. वो छांव बनना भी सुल्ताना ने सीखा है. निशा बैठी है, हमारी मां सरद बैठी हैं, हमारे सारे दोस्त जो बैठी हैं यहाँ पर, हमारे इस दोस्तों के ग्रुप में सुल्ताना एक घनी छांव की तरह है. हमें सुल्ताना सिद्दीकी बनकर नहीं बैठती हमारे दरमियान. 18 साल की एक शोक चंचल एक दोस्त हमारे दरमियान होती है, जो हमें जिंदगी से भरपूर और जो जियो और जीने दो वाला सबक सिखाती है. हमारी छोटी छोटी महफिलों में जिनमें हम सब होते हैं, इस घनी छांव को सचमुच एक ठंडक की तरह हम एंजॉय करते हैं. सुल्ताना से
सुल्ताना के साथ मैंने काम किया, जितना भी किया मेरे लिए तो खैर एजाज है, और लेकिन इनसे मैं सीखा हुआ कुछ, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको ये बात बता दूँ, मैं ये भी कहा करती हूँ कि मैंने आपसे ये बातें सीखी हैं और किसी शागिर्द की तरह रूबरू बैठकर सीखी हैं कि कैसे होता है। मैंने सांस भरना सुल्ताना से सीखा। हम टीवी हम शुरू कर रहे थे तो मैं इनके घर में इनके बीच में बैठी होती थी। मैंने ये सीखा कि बहू को अपनी जिंदगी जीने का रास्ता दो, अपनी जिंदगी खुद अपनी जिंदगी का रास्ता अपने लिए रखो। मैं आज भी झिझकती हूँ पूछते हुए, बैठी हैं दोनों यहाँ पर, कि कहाँ जा रही हो। सिर्फ इतना कहा करती हूँ कि अगर देश से आपको मुझे बता देना, वो हमारी आदत है परेशान मत की। माँ बनना मैंने तन्हा माँ बनकर बच्चों को आगे लेकर चलना मैंने इनसे सीखा। मैंने एक वक्त आया जब मुझे भी तन्हा जिंदगी को फेस करना था, मैं इनके पास आई एक मसला लेकर, सुल्ताना ये कैसे होगा क्या करूँ। कहा जाओ मजे से करो, ये इस तरह होगा, कॉन्फिडेंटली कर लो, कुछ नहीं होता। सो मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। इनसे इंसान बनना एक अच्छा इंसान, बाज़र्फ इंसान बनना सीखा। मुझे पता नहीं इजाज़त देंगे या नहीं देंगी, रोकेंगे मुझे, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं आपके साथ, ताकि आप इस शख्सियत को समझें जिनके बारे में इतनी बात हो रही है, जिनकी कामयाबी पर इतनी बात हो रही है, आप समझें कि उसके जर्फ का लेवल क्या है जो आपको काम आएगा। मुझे खातून मिली अमेरिका में, मुझे खातून मिली अमेरिका में, तो अपने घर में मैं उनके घर रह रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि इस कमरे में थी सुल्ताना आकर रहती है। अच्छा ठीक है। एक दिन गाड़ी में कहने लगी, आपको पता है अदी सुल्ताना का मुझ पर बड़ा एहसान है। मैंने पूछा क्या, कहने लगी कि नाजमाबाद में हमारे घर एक ही मोहल्ले में पड़ोस में थे, मेरी माँ को कैंसर था और वो बेड पर थी, तो एक रिश्ता आ रहा था मेरे लिए। मेरे वालिद ने अदि सुल्ताना को कहा कि घर में कोई औरत नहीं है बात करने वाली, तो तुम आ जाना और इन खवातीन से मिलना, मुझे बताना कि ये रिश्ता मैं करूँ या ना करूँ बेटी का। उन्होंने कहा बहुत काफ़ी देर हो गई, अदि सुल्ताना नहीं आई, वो लोग बैठे हुए थे इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल आ गई, आई बैठी, उनसे पूरी बात की, उनके बेटे के बारे में बात की, सारा मामला तय हुआ, वो लोग गए। और उनके जाने के बाद मेरे वालिद को कहा कि बहुत अच्छा रिश्ता है, आप हाँ करते हैं। वो रिश्ता उन्हीं से खातून की शादी हुई, वो अमेरिका में थे। उस खातून ने ये पूरी बात बताने के बाद मुझे कहा कि आपको पता है कि सुल्ताना देर से क्यों आई मेरे इस काम के लिए। एन उस वक्त उनके शोहर तलाकनामा लेकर उनके सामने खड़े थे और उसको रिसीव कर रहे थे, और उस पर वो सारा मामला मुकम्मल करके वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया और मुझे गले लगाते हुए रो पड़े। ये होता है अभी इंसान। सुल्ताना को बर्थडे पर मैं वॉइस मैसेज भेजती हूँ। हमारी एक दोस्त हुआ करती थी, इंतकाल हो गया, डॉक्टर कमर वाहिद, उनको जरीना बलोच हमारी बाप में से बहुत से लोग जानते हैं, बहुत बड़ी सिंगर सामनेगार गुजरी हैं,
तो मुझे डॉक्टर कमर भाई ने कहा कि जरीना मुझे मेरे बर्थडे पर पाकिस्तान से फ़ोन करती है, मैं कहती हूँ हेलो, तो वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने तुझे हमारे बीच में तुझे ले आया और तू मेरी दोस्त है और तू हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं आप सुल्ताना को जब बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ वॉइस, तो मैं उसे कहा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बीच में आप मौजूद हैं, बहसे दोस्त के भी और बहसे आला इंसान के भी। बहुत शुक्रिया। खादिम अजहर, अब माँ की मोहब्बत की कुछ और रंग किसी एक और बेटे से, एक को तो बहुत मिस कर रहे हैं जो अमेरिका में है। इन्फोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इन्फोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। आमने सामने की कमरों में हमने जो वक्त गुजारा है उसमें कुछ सीरियल्स मैंने देखी है, 20-22 पता नहीं कितने, पर हम भी उसी मशक्कत से गुजरे। लेकिन सुल्ताना आप के अल्हम्दुलिल्लाह एक कारनामे ने हम सबको बहुत मुतासर किया है, वो है तहजीब और सकाफत का तहफ़ हम टेलीविजन के जरिए। अब मैं शायद थोड़े अब कुछ संभल गए होंगे, तो अगर संभल रहे हैं तो आइए, वरना फिर उसी तरह जब छोटे से थे तो मेरे कमरे में आके ऑर्डर किया करते थे कि मामू के कमरे में चाय लाओ कॉफी लाओ। Thank you, Ji. Thank you very much for giving me another chance for that. I'm the youngest of the three brothers, but I'm privileged to spend the maximum time with her. मैं ना कैडेट कॉलेज पढ़ने गया, ना मैं कॉलेज के लिए बाहर गया, ना मैं अमेरिका गया, ना मैं कहीं गया। सारी जिंदगी अपनी अम्मी के साथ गुजारा और फिर एक दिन जब चंद महीनों के लिए मैं अमेरिका गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके बगैर रह नहीं सकता। और उसी वजह से मैं आया उनके पास और मैंने कहा कि मैं तो अब देखी है अमेरिका भी 9 महीने देखकर देखी है, तो वी कांट लिव। मेरी शादी हो चुकी थी, मनाया भी थी, लेकिन ये जो प्यार उनसे मिला हुआ था आज भी मुझे लगता है कि मेरी ये वादा के साथ हम लाइक रिकॉर्ड छोड़ दिए। इन 50 सालों में सारे साल गुजरे होंगे, लेकिन 25 साल जो हैं काम में भी उनके साथ गुजर गए। वो 25 साल हम दोनों ने बराबर कमरों में रह के हम टीवी भी बिल्ड किया और भी कई लड़ाइयां जंगें स्ट्रगल साथ की, और जो लास्ट 25 इयर्स हैं मैं इनकी हर स्ट्रगल में हर दिन इनके साथ रहा हूं, और इन्होंने मुझे एक बेबी की तरह से रखा, नर्चर किया है हर दिन। आज का दिन लेकिन इनकी जो ये नर्चरिंग और मदर कैपेसिटी जो है ना, ये सिर्फ मेरे या मेरे भाइयों तक महदूद कभी भी नहीं। इनके पास एक मीडास टच है जो उन्होंने हर शख्स को हाथ लगाया है वो सोने का बन गया। चाहे वो कई डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो कई आर्टिस्ट हैं, जो इधर सब शख्स बैठे हुए हैं उन सबको जब उन्होंने छुआ है तो वो सोने बन गए। ये उनकी सबसे बड़ी खसूसियत है। इसमें आप चाहे उनकी औलाद को देखें, चाहे उनके दोस्तों को देखें, चाहे उनकी बहुओं को देखें, चाहे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, वही सोचा था ग्रैंड चिल्ड्रन को देखें,
और सबसे मजे की बात है और सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे लगता है, जो हल्का सा मोमना ने जिक्र भी किया, कि मेरे जितने जो बच्चे हैं मेरे जुनैद के या सुनैद के, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यू नो यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड अस, दादी अंडरस्टैंड्स अस बेटर देन यू। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि शी अंडरस्टैंड्स एवरी वन ऑफ यू एंड लव्स यू अ लॉट, और जितना वो आप लोगों से प्यार करती हैं हर एक से इंडिविजुअली, उतना ही इक्वली प्यार करती हैं, और हर बंदा ये समझता है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन इस सबके बाद मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, उनका एक ही बेबी है वो मैं। हर बेटा यही दावा करता है, हर माँ यकीन दिलाती है कि तू ही मेरा बेबी है, तीनों ही उनकी बेबी हैं और हमारे लिए फख्र की बात है। अब मैं इससे पहले के फिर से बहू को किस्म दुआऊं, मैं चाहूंगा कि एक शख्स बहुत मुझे अजीज है और मेरा परसों पुराना दोस्त भी है और सुपर स्टार है स्कूल का, क्या विषय रही। सबसे पहले तो मैं अभी जैसे हमायूं ने भी कहा कि सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है अहमद शाह साहब का, जिन्होंने एक खातून जिनका नाम इस वक्त पाकिस्तान में इतना बड़ा है कि बहुत कम लोग जानते हैं, हम जो इनसे क्लोज है वो जानते हैं और ज़्यादा जानते हैं, मगर इस तरह का प्रोग्राम करके ये दुनिया को बताना चाहिए कि सुल्ताना सिद्दीकी कैसे इस मीडिया में आई और कैसे बनी। ये आपका शुक्रिया सर कि आपने ये मौका दिया इनको यहाँ पर पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करना, और ये डिजर्व करती है ऑब्वियसली। क्या कहूँ मैं जब मैंने टेलीविजन पे स्टार्ट किया तो उस वक्त ये प्रोड्यूसर थी, इतफाक से हमने उस वक्त कोई काम नहीं किया, मगर बाद में जब ये इन्होंने हम टीवी शुरू किया तो इनके जो दो फेमस ड्रामे थे जिंदगी गुजार और थोड़ी सी मोहब्बत, वो मैंने इनके साथ किया, और वो जिंदगी गुजार तो एक ऐसा ड्रामा था जिसमें एक स्टार को इंटरनेशनल स्टार बना दिया, वो था फवाद खान। तो फवाद खान के लिए वो जिंदगी गुजार गेम चेंजर था, तो ये क्रेडिट भी सुल्ताना सिद्दीकी साहब को जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि माशाल्लाह 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 इन्होंने जो क्योंकि तकरीबन 40-45 साल से मैं भी इनको जानता हूँ देखता हूँ, और जिस वकार जिस इज्जत के साथ जिस बुर्दबारी के साथ ये इन्होंने ये इस मीडिया में टाइम गुजारा है, और उसी हिसाब से अपने बच्चों को जो तालीम और तरबियत दी है, वो जैसी शख्सियत ये खुद है इनके बच्चे भी वैसे के वैसे ही हैं, डाउन टू अर्थ है। कभी इन्होंने अपने आप को ये नहीं सोचा कि हमारी मदर जो है वो एक बहुत बड़े चैनल की मालिक है और ये है और वो है, सारे डाउन टू अर्थ है। तो ये हम्बलनेस जो इनमें है वो उनके बच्चों में भी है माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि एक वक्त जब ऑब्वियसली इनके तीन बेटे हैं तो एक वक्त आया होगा इन्होंने सोचा होगा कि काश मेरी बेटी होती, तो अल्लाह ताला ने ऐसे दुरैद के लिए मोमना दुरैद उतार दी जो उनकी बेटी की तरह है, और उनके ऐसे जल हो गई है जैसे वो चाहती थी वो मोमना वैसे ही बन गई, और माशाल्लाह एक फैमिली कंप्लीट हो गई। ये इट इज ये भी क्रेडिट आपका है माशाल्लाह, आपने जैसे मोमना अभी बता रही थी सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस। तो मैं समझता हूँ कि जैसे इनको जो प्राइड परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज मिला,
इनको मेरे जहन में आया इनको सलूट करने के लिए कि मीडिया में ख्वातीन को रास्ता दिखाने में सुल्ताना सिद्दीकी का बहुत बड़ा हाथ है और अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे सलामत रखे। और जैसे मेरी बेटी मोमन उससे मुझे कहा बाबा मैं कुछ काम करना चाहती हूँ तो क्या करूँ, तो मैंने कहा तुम हम पे चली जाओ सुल्ताना तो नहीं कहूँगा सुल्ताना जी है। तो वो आ गई और उसने चंद महीने यहाँ पर काम किया और उसने जो यहाँ से सीखा वो आज जो भी है वो भी हम टीवी और सुल्ताना सिद्दीकी साहब की वजह से। तो मैं आपको बस दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे सलामत रखे और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी आपके नक्शे कदम पर चले। आमीन। सुन प्रोग्राम अपने उरूज पे है और इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मोहब्बत है सुल्ताना बीबी के। अभी तक बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाहर सिगरेट पीने जा रहे हैं पर नहीं बैठे हैं। मौके से फायदा कभी कभी हम उठा लेते हैं लेकिन वो भी इसलिए कि जब किसी भी कॉरिडोर में होते थे तो डांट पड़ती थी सिगरेट पीना छोड़ दो बाकी सब अच्छे होते। थैंक यू। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ एक और बहू से एक और बहू से इसलिए कि आजकल के जमाने में बहुओं की बहुत कदर की जाती है लेकिन इस बहू की तो बहुत ज्यादा कदर है। मोमन मैं जो हूँ फैमिली में सबसे कमजोर शख्सियत हूँ। मुझे सच्ची बात पे बोलना नहीं आता, आप मुझसे लिखवा लें जितना भी मैं लिख लूंगी बट आई फील कि मैं वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। इनफैक्ट आई थिंक आई एम द लीस्ट एक्सप्रेसिव ऑफ ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। मैं जब शादी करके आई अब तो मुझे लगता है मैं बहुत छोटी सी थी, ग्रेजुएशन हो गई थी, शादी होके आ गई और उस टाइम पे दुरैद था स्टूडेंट, हम लोग फेस टू के छोटे से घर में रहते थे और शादी के कुछ ऐसे ही बात मेरी सास वर्किंग वूमन थी, उन्होंने मुझे लिटरली जैसे कहते हैं घर की चाबियाँ पकड़ा दी, लो घर संभालो मैं काम पे जाती हूँ। अच्छा ये बहुत कम होता है कि मदर्स इन लॉ जो हैं इतना जल्दी बहुओं को किचन का कंट्रोल देते हैं क्योंकि हमारे माशरे में किचन जो है वो पावर सेंटर होता है। तो गिरती पड़ती घर संभालना सीखा मेरे घर तो जाहिर है चाय भी नहीं बनाई थी, साथ में बचे हुए टिल नाउ इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ ग्रेट हार्ड वर्क डेडिकेशन एंड स्ट्रगल। मैंने खाली इनको नहीं इनके बेटों को भी देखा एंड लिटरली वी आर सेल्फ मेड पीपल बिकॉज हम एक छोटे से फेस टू के घर से अब एक बड़े से घर में आ गए हैं और जो है हमारी जो राइस है वो थ्रू हार्डवर्क ही हुई है एंड शेयर हार्डवर्क एंड नथिंग एल्स। अम्मी हैज बीन अ गाइड मेंटर एडवाइजर। आई थिंक हम लोग जो अपनी मदर्स से कभी कभार चीज़ें नहीं डिस्कस करते हम उनसे करते हैं कि हमें एक अच्छी एडवाइस मिल जाएगी। अपनी माएँ तो इमोशनली बहुत परेशान हो जाती हैं कि हमारी बेटी ने पता नहीं क्या बोल दिया। तो और ये है कि सबने सारे एस्पेक्ट्स पे सब बोल दिया है लेकिन आई थिंक माएँ जो होती हैं वो फैमिलीज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मैगनेट होती हैं एंड दे आर द वंस हु होल्ड द फैमिली टुगेदर। सो आई थिंक शी इज एन इंस्पिरेशन इन दैट वे टू ऑल ऑफ अस इनफैक्ट टू ऑल द फैमिलीज क्योंकि आजकल के ज़माने में जहाँ फैमिली डायनामिक्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं एंड बैलेंस्ड लोग बहुत कम मिलते हैं। तो जब लोग तारीफ करते हैं कि वी आर वेरी ग्राउंडेड एंड वी आर मतलब वे वी आर इन दैट पोजिशन इन आवर लाइफ तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है बिकॉज शी इज द ग्लू दैट होल्ड्स अस ऑल टुगेदर एंड आई थिंक दैट I hope, I pray that ये legacy हम अपने बच्चों में कंटिन्यू करें और वो बच्चे जो हमारी फैमिली में आएंगे
एक तो आ चुकी है, ये लेगेसी आगे भी जिंदा रहे, एंड शी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. बेटे सबको सुन लिया, हमारे यहाँ रिश्ते थोड़े से सख्त और नरम होते रहते हैं. आइए जरा समझन की बात सुने. हमारी बहन, हमारे दोस्त, हमारे साथी राजनीति के जमाने से हमारे डिबेटिंग के साथी विश्वास शिजा. बहुत शुक्रिया. एक तो आज की इस खूबसूरत शाम में आकर बहुत अच्छा यूँ लग रहा है कि जब किसी तारीफी या तौसीफी महफिल में बुलाया जाता है तो दिल को इत्मीनान होता है कि ठंडी मीठी बातें सुनने को मिलेंगी. हमारी शामें तो बहुत ही ज़्यादा बहस मुबाहिसा तनकी एक दूसरे पे अंकुश नुमाई में गुजरती हैं, लेकिन आज की इस खूबसूरत शाम को मनाने के लिए अहमद शाह साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच. अपने एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ही हष्ट पहलू शख्सियत है और यहाँ आने वालों ने उनके इतने पहलू और इतनी किरदार के बारे में इतनी बातें बेटों ने, बहुओं ने, दोस्तों ने, राइटर्स ने, यहाँ जो चांद सितारे हमारे बैठे हैं सारे आर्टिस्ट, उन्होंने इतनी खूबसूरत इतनी सच्ची बातें की हैं. मेरा तो सुल्ताना से दिल का रिश्ता है और ये दिल का रिश्ता उस वक्त कायम हुआ जब मैं उनकी दोस्त बनी और वो मेरी दोस्त बन गई. पता नहीं किस वक्त, मुझे तो याद भी नहीं आता कि हम पहली दफ़ा कब मिले थे, न सुल्ताना को याद हो गई. लेकिन ये रिश्ता जब एक ऐसे बंधन में बंधा जिसके बारे में आपको अभी इन्होंने एक नाम दिया जो बड़ा भारी सा नाम होता है, संबंधों का रिश्ता, तो ये बिल्कुल जैसे रेशम का धागा होता है हमारी, लेकिन बहुत मजबूत ये वो रिश्ता होता है. इस सब जो बातें यहाँ हुई हैं मैं आपको सच बता रही हूँ कि सुल्ताना से मैंने एक दफ़ा शुक्रिया अदा किया था इस बात का कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी कि मेरी बेटियों की शादी पहले हुई और बेटी तुम्हारी बहू बनी और बेटों की बात नहीं हुई, तो मैंने तुमसे सीखा कि रिश्ता, ये नाजुक रिश्ता कैसे निभाया जाता है. और ये सुल्ताना को पता भी नहीं है कि बहुत सी बातें इनसे अनदेखे में लोग सीख जाते हैं और इनकी जो ये एक सलाहियत है कि ये अपने आप को आगे बढ़ाती हैं. जैसे किसी ने कहा कि जी वो पारस की तरह है कि जिससे छू जाती हैं, शौक सोना बना देती हैं, उसको टैलेंट्स को निकालती हैं. लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है ये कि ये कुछ अनजाने में आपको बहुत कुछ बता जाती हैं. मैंने सुल्ताना को देखा, उनके बारे में यहाँ बैठ के बहुत कुछ सुना. जाहिर है कोई कहता है कि बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, वो है. हम चैनल की बहुत बड़ी चेयरपर्सन है, वो है. वो बहुत बड़ी बड़ी ड्रामा निगार है और बहुत ज़बरदस्त खातून है, बहुत पावरफुल है. ख़वातीन की विभिन्न एम्पावरमेंट की अलमबरदार है, औरतों की आज़ादी की नुमाइंदा है. लेकिन जिस सुल्ताना को मैं जानती हूँ वो इस सब के होने के साथ साथ इखलास में गुंधी हुई एक औरत है और इसके पास उसको कोई शख्स बुरा ही नहीं लगता. अच्छा, कभी कभी ये चीज़ बहुत उलझा देती है, बेचैनी हो जाती है. भाई ठीक है ना, अब किसी की कोई बात कह रहे हैं कि भाई उसमें, भाई देखा तुमने उसमें ये कितनी बुरी बात. हाँ, लेकिन फौरन जवाब देंगी कि लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उसमें ये वाली बात कितनी अच्छी है. तो आई नेवर हर्ड अ सिंगल नेगेटिव वर्ड फ्रॉम सुल्ताना जो उन्होंने किसी की कभी गॉसिप की हो या किसी के बारे में कोई गलत बात कही हो. हमेशा वो लोगों की तारीफ करती हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करती हैं. और ये जो मोमना ने बात कही कि जी इनकी अम्मी को ये जेलसी हुई कि शायद बेटी जो है वो माँ से ज़्यादा अपनी सास से करीब है, तो ये जेलसी तो मुझे नहीं है क्योंकि मैं आपको मैं बता रही हूँ कि जब कभी अमेरिका से मलिका जुनैद आते हैं, जिन्हें मैं आज बहुत मिस कर रही हूँ अगर यहाँ होते, तो जब कभी मैं बात को सुनती हूँ मलिका से तो मैं हैरान रह जाती हूँ. वो कहती है, मुझे माँ कहती है, उन्हें अम्मी कहती है,
वो मैंने मम्मी से ये पूछा था, वो उन्होंने ये बता दिया है, और ये मैं कहता हूँ तुमने मुझसे नहीं पूछा। उसे ये एहसास होता है कि शायद माँ कुछ और कह देगी, लेकिन जब मैं सुल्ताना मम्मी से पूछूंगी तो सुल्ताना मम्मी खुल के मुझे इजाज़त देंगी हर काम के लिए, आगे बढ़ो कर डालो। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ कि मैंने सुल्ताना को कब समझा। वैसे तो ये मेरी दोस्त हैं और थी और बहुत अच्छी प्यारी सी शख्सियत, और हर वक्त का हमारा मिलना जुलना। मेरी बेटी का जब रिश्ता इनके बेटे से तय हुआ, तो वो रिश्ता तो तय हो गया था, लेकिन फिर काफ़ी दिन बाद अचानक ही हुआ कि निकाह हो जाना चाहिए दो दिन के अंदर अंदर। अब बीइंग अ मदर आप सोचें, दो दिन में निकाह, मेरे ऊपर तो सारा कुछ सवाल हो गया कि अच्छा तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, ये तशरीफ लाएं मेरे घर। मैंने कहा सुल्ताना कैसे होगा ये सब कुछ, दो दिन के अंदर ये भी करना है वो भी करना, हो जाएगा। बस ये इनका ये जुमला होता है, आप कोई भी काम बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल सुल्ताना से कहें, सुल्ताना कहें हो जाएगा, और बखुदा वो हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतना एतमाद होता है कि वो कर गुजरती है। बहुत सारे मराहिल से सुल्ताना गुजरी है जिंदगी में, बहुत ऊंच नींच देखिए। हम खवातीन को पता है कि जब कोई खातून इस मरहले तक, इस मरतबे तक पहुंचती है, तो उसने कहाँ कहाँ अपने पांवों में छाले डाले होते हैं, कहाँ कहाँ उंगलियां फिगार की होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने अंदर की एक शरीर और चंचल लड़की को कभी मरने नहीं दिया। कमाल की बात है, महफिल में सुल्ताना की आमद एक रौनक की आमद होती है। जब सुल्ताना आ जाती है तो महफिल बन जाती है और सज जाती है। सुबह से ऑफिस गई हुई होती है, रात गए किसी महफिल में आती हैं, और कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया दोस्तों को कि भाई मैं तो बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मेहनत से आई हूँ, काम कर रही थी। अपने आप को मनवाने के लिए कभी दूसरों से नहीं कहा कि मुझे मानो, लोगों ने खुद इन्हें माना है, और ये बहुत कमाल की बात है। और एक और बात जो कमाल की है वो ये कि देखिए, इंसान में सलाहियत होती है, बहुत सी सलाहियतों वाले लोग यहाँ मौजूद हैं सर, लेकिन सलाहियत को लेकर दुनिया से चला जाना कोई कमाल की बात नहीं है कि भाई मैं बड़ी बासलाहियत हूँ और मैंने ये काम किया और मैं चली गई। कमाल की बात यह है कि अपनी सलाहियत को आप मल्टीप्लाई करें और अपनी सलाहियत को दूसरे लोगों तक कर दें। सुल्ताना ने कमाल किया है। इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सितारे जगमगा रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको ऐसे रोशन लोग नजर आ रहे हैं, जहाँ आपको म्यूजिक सुनाई दे रही है, जहाँ आपको आर्ट नजर आ रहा है, जहाँ आपको अदाकारी, वहाँ आपको सुल्ताना खड़ी नजर आती है, उन लोगों की आंखों में जगमगाती हुई नजर आती है, ये कमाल की बात है। और इन्होंने इतना मल्टीप्लाई किया है अपनी सलाहियत को कि इन्होंने अपने घर से लेके और बाहर तक की दुनिया में, इस वक्त हुमायूं सईद ने भी एक बात की, और यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगी कि ही इज रियली अ जेंटलमैन, क्योंकि उन्होंने आकर ये कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ सुल्ताना आपा की वजह से हूँ। ये बड़ा शख्स कहता है, छोटा शख्स नहीं कहता। और ये भी एक बात है, बड़ा शख्स वो होता है कि उसकी मौजूदगी में कभी कोई शख्स अपने आप को छोटा महसूस ना करे। आप सुल्ताना की महफिल में बैठे, आपको कभी महसूस नहीं होगा कि ये इतनी बड़ी चेयरपर्सन है, इन्होंने इतने अवार्ड लिए हैं, इतने बड़े चैनल की मालिक हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। वो आपको ईजी कर देगी, वो आपको आसान कर देगी। मेरे पास तो सुल्ताना एक दोस्त से ज़्यादा, बहन से ज़्यादा है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो पता नहीं कब मेरी दोस्त से मेरी बहन बन गई है, और बहन भी ऐसी जो शायद नसीब वालों को मिलती है। तो मैं बहुत बार नसीब हूँ, मैं खुशबख्त हूँ कि मुझे सुल्ताना जैसी सलाहियत मिली है। मैं सिर्फ आज आखिर में एक दुआ देना चाहती हूँ सुल्ताना, मैं यहाँ बैठी बहुत देर से ये प्रोग्राम देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और मैं महसूस कर रही हूँ कि हमें दुआ देना चाहिए, और दुआ ये है कि अल्लाह तुम्हें नजर बंद से बचाए, अल्लाह तुम्हारे खानदान को नजर बद से बचाए, तुम्हारे काम को नजर बद से बचाए, तुम्हें और ज़्यादा दर्जात नसीब करें। हमारे मुल्क को ऐसी खवातीन की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र है हमें कि हमारे पास ऐसी खवातीन मौजूद है। हम इसमें बिल्कुल भी अपने आप को कहीं भी मायूस नहीं महसूस करते, हमारे पास बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, और उनमें एक हमारे पास मिसाल सामने स्टेज पर सुल्ताना की शक्ल में। खुशबा मेरी बहन,
اس ملک کی بڑی اہم سیاسی شخصیت بھی ہیں, لیکن میں ان سے لبرٹی اس لیے لیتا ہوں کہ شاہ جہاں بھی اور میں ان کے بڑے بھائی ہم بڑے مزے سے ڈبیٹ پورا کرتے تھے اسکول میں ساتھ. لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ خوش بخت بہت محتاط ہو گئی, شاید انہوں نے ساس بھی کبھی بہت ہی دیکھا ہے. شکر ہے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ ساس بھی کبھی بہت ہی خیر خاتم حضرات اچھے موڈ سے ہنستے مسکرا کے فیملی ماحول میں احمد شاہ نے جو محفل سجانے کا ٹھیکہ لیا ہے, کراچی کی جو روشنیوں کا ٹھیکہ لیا ہے, اس پر ہم سب کا سلوٹ. اب تھوڑے سے چٹکلوں کے لیے, تھوڑی سی مسکراہٹوں کے لیے اور بہت ساری دوستانہ سچی باتوں کے لیے ہماری دوست بہن ساتھی بشان صاحب. السلام علیکم خواتین و حضرات, بہت ساری باتیں سب نے بہت اپنے اپنے دل سے کہی, اور سب سے زیادہ تو ہمارے مٹھو جو ہے نا, جن کو میں مٹھو کہتی ہوں, دریر فوراً پھسل جاتا ہے ایک دم, اور یہ کچھ تھوڑی بہت میری بھی بری عادت ہے, رونا نکل جاتا ہے جس وقت کسی کو جواب دینا تو جواب دینے کے وقت رونا نکل جاتا ہے, بعد میں کہتی ہوں میں نے تو یہ کہنا تھا, میں نے تو وہ کہنا تھا, میں تو رونا نکل گیا, مگر خیر انہوں نے جو بھی کچھ کہا آپ اس کو 10 دفعہ ملٹی پلائی کر لیں ماشاء اللہ. یہ جو بانڈنگ بچوں کے ساتھ ان کی ہے بے مثال ہے, میں کہتی ہوں اللہ کل جہان کو ایسے بیٹے دے, اللہ کو زندگی صحت سلامتی سب کچھ دے, اور ایسی پیاری ماں. ماں باپ جو ہے نا وہ انکنڈیشنل لو کرتے ہی ہیں, یہ سمجھے ایک اینیمل انسٹنکٹ سمجھ لے اس کو, مدر ہوڈ پیرنٹ ہوڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اسی طرح ہم کو ریوارڈ ملتا ہے, یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا. تو جس طرح انہوں نے اسٹرگل کی, جو انہوں نے اپنے بچوں پہ محنت کی, اللہ نے اس کو 10 گنا زیادہ ان کو ریٹرن کیا. پھر ایک اور بہت پیاری بات, جیسے اپنی بہو کا نام لیتی ہے نا سلطانہ, میری مومل یوں, میری مومنا, تو میری ملکہ یوں, تو ایسے میری مومو, میری یہ ان کے منہ سے نکلتے ہیں لاڈ نا, میری مومو اتنی وہ رات کو نائٹ کریم لگاتی ہے, اپنا اتنا خیال رکھتی ہے, پھر وہ لو تو اتنی معصوم ہے, اس کو تو یہ فکر ہے, اس کو وہ فکر ہے, یہ مومل کی ساری پرائیویٹ باتیں مجھے پتہ ہے, یہ تھوڑی سی بتائیے زیادہ نہیں. اچھا میری مومنا اتنی محنت کرتی ہے کہ آپ بتاؤ, مومنا کی ایک عادت جو آپ ہم سب کو پتہ ہے, بھولنے کی عادت, فون نہ اٹھانے کی عادت, جو کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے, میں کہتی ہوں یہ اس کا ڈس آرڈر ہے, وہ اپنا بچہ بھی بھول رہی ہے, پاسپورٹ بھول رہی تھی, کریڈٹ باکس کا بھولتا ہے اس کا, مطلب میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں 40 چیزیں. اور تو وہ پھر میں دریت سے کہتی ہوں اس کو یہ کہہ دینا, کوئی مجھے کہا تو وہ کہتے ہیں میرا 5 دن سے فون ہی نہیں اٹھایا, تو میں کہتی ہوں ساتھ میں عورت پڑی اس سے یہ کہہ دو, تو یہ اس کا ڈس آرڈر ہے. تو وہ بھی سنتا ہے, کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں, انہوں نے اس کو اتنے فون کیے, میرے فون کا آئے کہ نہیں اماں میرا فون ڈیڈ ہو گیا, میری چارجر لے گئی ہے, اور پتہ نہیں میرا فون ڈیڈ ہو, مطلب یہ تو یہ سب اس سے تو نہیں کہہ رہی ہوتی, لاڈیوں سے کہہ رہی ہوتی ہوں. اپنا بندہ کہتا ہے میری گھر کا دماغ خراب ہے, میرے فون کیسے اٹھائی, مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے فون چارج کیوں نہیں کیا. وہ کہہ رہی ہے یار وہ اتنی بزی ہے اس کا ایسے ہے, یہ مطلب وہ ہی بن جاتا ہے. اور ملکہ نے ماشاء اللہ جو جھنڈے گاڑے ہیں ماشاء اللہ, کیا بڑی آرکیٹیکٹ ہے, میں بھی جاتی ہوں اس کے گھر رہنے, اس پہ کوئی فخر ہے. تو ماشاء اللہ یہ اتنا پازیٹیو ایک رویہ ہے, جو سچی بات ہے, لوگوں میں شاید اپنی بیٹیوں کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کے پاس اپنے بہوؤں کے لیے ہے. میں تو ہر وقت اپنے بیٹے میں کیڑے نکالتے رہتی ہوں, بڑی والے سے کہتی ہوں ہائے کتنا پھیلا ہے تم نے, چھوٹی سے کہتی تم نے نہیں کیا, تو مجھے تو کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہتی ہے. خیر تو سلطانہ کی کیا باتیں, اتنی پیاری پیاری باتیں. سب سے بڑی ان کی کوالٹی ہے کہ پازیٹیوٹی بھری ہوئی ہے, مختلف وقتوں میں پریشانیوں میں ساری زندگی میں ان کے ساتھ, اور جیسے دوست شیئر کرتے ہیں. پہلی ملاقات تو میں بھی یاد دلاؤں کہ میں کراچی آئی تھی اور میں گاتی تھی, اس وقت صرف زیادہ تر گاتی تھی, اور ان کا میوزک کا پروگرام تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا, میں پہلی بار ان سے ملی اور میں نے اس میں گایا. اس کے بعد تھوڑی تھوڑی جیسے واقفیت ہوتی ہے, پھر جس شو کا ٹینا ذکر کر رہی تھی جس میں انہوں نے کمپیئرنگ کرا لی ان سے, اس میں بھی میں نے ٹوری موری گائی. تو سلطانہ کو نا ہر وقت کچھ نیا پن سوچتا ہے, وہ کرنا چاہتی ہے ہر وقت نیا تجربہ. تو زندگی کے بہت سارے ایسے مراحل اور مسائل جو کہ ہم شیئر کرتے کرتے
पता नहीं किस वक्त एक बड़ी बहन की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक दोस्त की तरह ये खुद ही मेरे ज़िंदगी में ऐसे जुड़ रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं सबसे पहले इनको बता रहे हैं। जो अब मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज आया कुछ सालों पहले, मैं बड़ी घबराई गई तो पता नहीं क्या हो गया मुझसे, तो उनसे भी पहले मैंने दुरेद को बताया कि वो मेरा उनसे ज़्यादा पहले से गिरा है। फिर मैंने उनको बताया और मैं तो बहुत लड़का, तो क्या हुआ ठीक है कर लो, मैंने कहा है अच्छा देखते हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब एक ऐसा कंफर्ट लेवल, एक तबीयत में इतना एक प्यार और एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी कि आपको किसी तरह का कोई डर ही नहीं। अच्छा फिर मैंने एक सीरियल इनके यहाँ 3-4 सीरियल मैंने लिखे, तो जो मेरा शायद दूसरा ही या तीसरा सीरियल था कुछ दिल ने कहा, आप लोगों को शायद याद होगा, वो मैं लिख रही थी और उस वक्त नूर वहाँ पे स्क्रिप्ट में हेड थी और मोमिना में भी शुरुआत में थी, तो सुल्ताना बकायदा से बैठी होती थी और स्क्रिप्ट पेपर हम सब लोग बात करते थे। इतनी एक पर्सनल जो मतलब इन्वॉल्वमेंट थी हर प्रोजेक्ट के साथ। अच्छा फिर क्या हुआ, जब हम उसकी शूटिंग पे जा रहे थे बाहर बैंकॉक, इतने में वो जल्जल आ गया तो तबाह कौन था पाकिस्तान में, और मेरे नौकर भाग गए पहाड़ों पे और पता नहीं क्या ही, और मैंने कहा अल्लाह क्या सुल्ताना का कुछ नहीं होता हम चलेंगे, हमने वहाँ से कमलजीत को बुलाया था, मैंने कहा सुल्ताना कैसे हो गए तो वो तो सब कुछ टूट गया, मैंने कहा हमको तो जाना है 10-15 दिन के लिए, हम गए साथ चले गए मेरे ना, और ना हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट था, मैं कमलजीत का मेकअप भी कर रही थी क्योंकि उनको भी हमने कहा कि हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते आपके लिए मेकअप आर्टिस्ट, हम तो अपना उसमें सुल्ताना साथ साथ हर जगह और एक इंकरेजमेंट और एक ऐसी एक स्ट्रेंथ की तरह मेरे साथ रहे। सो जो भी ऐसी ज़िंदगी के प्रॉब्लम आते हैं, मेरी बहन जब चली गई मैं बहुत, हम अभी भी रोते हैं लेकिन बहुत रोती रहती, फिर मुझे कहना कि देखो बस अब अपने आप को संभालो, अब ये नहीं करो, अब वो अभी करो, तो मैं कहती हूँ कि एक इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी बड़ी पॉजिटिविटी की, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो सबको दिए चला जा रहा है और वो मज़े में है, उसके पास कमी नहीं है, तो वो जो कंफर्ट लेवल अपने दोस्तों को देती है एक्सेप्टेंस का। अच्छा फिर और भी बहुत सी चीज़ें बताऊँ, मैसेज आएगा काफ़ी दिनों बाद, ओ मैं तुम्हें याद कर रही थी तुम कहाँ थी, तुम्हें उदास हो रही थी, ये हमारी तोतली बातें होती हैं, फिर तुम कहती होगी पता नहीं मुझे क्यों इतना प्यार कर रही है, मैंने कहा मेरे से पैसे लेके आप चैनल जो चलाती हैं ना इसलिए आप उसे इतना प्यार करती, अचानक किसी दिन में तुम घर में हो मैं आ रही हूँ, तो ये जो एक रिश्ता है ना जिसका कोई मैं पैमाना नहीं बता सकती कि कैसा है, और हम फिर सबको जमा करना कौन कौन कहाँ है, फिर मैं आ रही हूँ इस्लामाबाद से तो फिर हम बैठेंगे तो फिर तुम आ जाना फिर फलां फलां फलां, तो इतना एक मैं समझती हूँ कि इतना ये एक बड़ा ख़जाना है अदर देन हर क्रिएटिव पार्ट, वो एक उनके अंदर जो हर वक्त कुछ नया करने की, फिल्म अकेडमी बनाने की, लोगों को ग्रूम करने की, लोगों को ट्रेन करने की, नई नई चीज़ें उनके दिमाग में आती है, हर साल वो फेस्टिवल भी कराती हैं और बड़ी खुश होती हैं कि फिलहाल भी आया तुम भी आओ, फिलहाल भी आया इसके ऊपर हमें ये करना है, हमें ये बनाना है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और इनके दिमाग में ये शगुफे फूटते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए और कोई नहीं सोचता, हमारे लिए हमारे अगले बच्चों के लिए, अब ये बच्चे जो जैसे दुरैद के बच्चे माशाल्लाह अब ये मनाही काम कर रहे हैं मोमना के साथ, और बहुत से बच्चे इस जनरेशन के हैं, उनको ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ देने और उनको फिर उस तरह से इम्प्लीमेंट करना और उनको बकायदा उसके लिए चलती भी जा रही है। हबीब यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल भी था तो मैं जब गई तो बड़ी दूर थी वो वॉक, आई मैंने उनको कहा फिर तो तुम लोगों ने मेरी सुल्ताना को इतना चलाया, उन्होंने कहा नहीं तो जॉबर पहन के आई थी, मतलब कि इंसान जंग पे जा रहा है ना काम पे जाते हैं, तो सुल्ताना के साथ बहुत प्यार है, इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकती। एक आध और चीज़ भी मैं कहूँगी रवानी ज़्यादा उसको आप किसी से मिलाइए नहीं, किसी ने एक दफ़ा इनको हर्ट किया था हमारे दोस्तों में से, वो हो गई थी गलती बस बोल उन्होंने कुछ बोल दिया था और फिर थोड़ी अपसेट हुई, तो वो मेरी भी वो दोस्त हैं इनकी मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा मेरा दिल इनके लिए दुख है और मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकती थी, मैं परेशान थी यार मैं उनको कैसे समझाऊँ कि यही होना कहे, उन्होंने कहा देखो उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था वगैरह, खैर उन्होंने बाद में एक्सक्यूज कर लिया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने तेरी सुल्ताना से माफ़ी मांग ली है, मैंने कहा ये शुक्र किया मैंने क्योंकि मुझे दोनों अजीज़ हैं, मेरे दिल को ये था कि पता नहीं क्या, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो आई बाहर से तो मैंने उनकी दावत की, अच्छा मेरा दिल चाहा कि मैं सुल्ताना से पूछूँ, फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा ऑकवर्ड ना हो जाए, मैंने 2 दिन बाद कहा होता मैंने खाना किया था तो वो उनके लिए, वो कहती है मुझे बुला लेती मैं आ जाती मुझे क्या फ़र्क पड़ता है,
हो गया जो होना था, उसने माफी मांग ली थी, तुमने क्यों? तो आप देखिए एक इंसान का दिल कितना बड़ा है कि आप कुछ भी कह रहे हो, माफी मांग कर दिया। मम्मी का तो क्या हुआ, मैं अंदर से परेशान थी। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक दिन एक बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, उसने कहा अपा मैंने फोन किया तो सुल्ताना अपा के पास मेरा नंबर सेव था, उन्होंने उठा लिया। मैंने कहा उनके पास नहीं सेव्ड होगा, वो फिर भी उठा लेंगे। किसी का फोन उठा लेती है मेरी तरह, मैं धोबी का भी उठा लेती हूँ, बादशाह का भी उठा लेती हूँ। तो मैंने कहा वो नहीं इस तरह की, वो और बात बिजी होगी या नहीं। अच्छा फिर मैं कोई मैसेज करूंगी जो भी लाड प्यार कर या कोई, पर पाँच छः दिन गुजर जाएंगे फिर मैसेज का जवाब नहीं आएगा। मैं फ़ोन नहीं करती क्योंकि मीटिंग या शेटिंग होती है। उसके बाद मैंने कहा मैंने आपको ये कहा था, फिर आपने बताया। अच्छा मैंने लिख दिया था, मुझे उस पर एरर बना था, मैंने उंगली नहीं मारी। तो हमारे लिए अटकेलियाँ ये प्यार मोहब्बत ये बहुत प्रेशियस हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इनके बच्चों के साथ भी हैं। मैं सैन फ्रांसिस्को जाती हूँ, मलिका जुनेद के साथ मज़ा आता है, शुनेद मेरे कपड़ों की तारीफ करते हैं, दुरैद मेरे हुसन की तारीफ करते हैं, मुझे लिपट जाते हैं। तो ये इतने सारे प्यारे रिश्ते मिले हैं मुझे सुल्ताना की वजह से, बहुत जरूरी है जो मेरे दिल में बहुत रहती है, बहुत दफ़ा मैं कहती हूँ। देखिए बहुत अच्छी रिवायत है, आप ट्रिब्यूट देते हैं, शुक्र है कि आप अहमद शाह साहब ये इनिशिएटिव लेते हैं। ये जो सड़कें बनती हैं लोगों के नाम की, उनके जाने के बाद क्यों बनती है? मैं तो बहुत दिन से ये बात कह रही हूँ बहुत सारे फोरम्स पे कि क्यों नहीं अहमद शाह साहब की सड़क बनी उनकी ज़िंदगी में, कि वो भी वहाँ से गुजरते तो चार अच्छे शेर खुशी में कह देते हैं। क्यों नहीं हमारे सामने सुल्ताना सिद्दीकी की सड़क बन सकती, क्यों नहीं? एक अच्छी यूनियन लॉजिक को देखने को मेरे समझ में आए, जो ही एक बंदा जो है दुनिया से गया हो, चाहे दिलसानजद हो, चाहे वो फरासा हो, चाहे वो जो भी है, मतलब बहुत से लोग हैं, तो भी साहब के नाम की सड़क बन, वैसे तो नहीं बनी शायद, अगर बनती उनके सामने तो क्या हो रहा था, वो खुश हो जाते ना। तो ये एक रिवायत मुझे नहीं पता किसने कायम की है, इसको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात को मैं ज़रूर इस पर जोर देना चाहूँगी कि जो भी अनवर मकसूद साहब के नाम की सड़क क्यों ना हो। मैंने देखा मोइन अख्तर के जाने के बाद मैं कहीं एआरवाई जा रही थी, रस्ते में बहुत टूटी फूटी सड़कें, गंदी सी जगह से गुजरना पड़ता है, वहाँ मुदर के जाते तो वहाँ पैसे मिलते हैं, मगर दरमियान में तो गंदी जगह आती है। तो देखा कंत सा टूटा हुआ बोर्ड लगा हुआ मोइन अख्तर के नाम का, मेरे दिल पर मुक्का पड़ा, लिखा है इतनी गंदी सड़क पर मोइन अख्तर का बोर्ड क्यों? तो वो तो नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आज मैं इस जगह पे ये एक फरमाइश करूँ या रिक्वेस्ट करूँ या मतलब जोर दो उस बात पे कि हमारे सामने ही सुल्ताना सिद्दीकी के नाम की शाहरा होनी चाहिए। तो इस शाहरा पे हम सब लोग करके बहुत खुश हैं और लोग भी इस शाहरा पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया कुशल जी। खातिर हजरात कुछ नहीं कहूँगा, अहमद शाह। अच्छा पहली तो खुशखबरी ये कि मैं कोई तकलीफ करने नहीं आया, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करने आया हूँ। क्रिएटिव डायरेक्टर म्यूजिक के इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आरिफ भाई को इतने में इनका कम से कम 70 करोड़ का नुकसान हो गया, 3 घंटे जो यहाँ बैठे हैं, और मतलब इतना शानदार प्रोग्राम हुआ। सुल्ताना आपी के लिए ये डिजर्व करती है सुल्ताना आपी। आप जैसे अक्सर लोग मुख्तलिफ जहतों और मुख्तलिफ हवालों से इन्हें पहचानते हैं, और जयर खान साहब जैसे लोग या अली मेहताब इनके साथ स्कूल में थी, तो सुल्ताना पर बड़ी शरीफ बड़ी क्लेंटी सी एक लड़की है। किसी ने इनके वो शरारत के किस्से कोई और इनका क्रश कोई हैदराबाद के स्कूल का नहीं सुनाया, सब बुजुर्ग खवातीन बन गई। और अगर इनको आप अकेले में सबको अगर आप देख रहे ना, तो कसम खुदा की मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, जो सूरत हाल होती है सुल्ताना आपकी इज वेरी हैप्पी, और कम से कम 3 जनरेशन ने आपको ट्रिब्यूट पेश किया है। आपके आने वाले डायरेक्टर और इस शहर के लोग, और सड़क भैया सड़क बन जाएगी आप टेंशन ना, आपके नाम की बनेगी, उनकी तो पहले बनेगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि सुल्ताना आपकी के नाम की सड़क बनाएंगे, और
इतनी देर तक इतने सारे लोग से बैठे रहे, मैं नाम इसके लिए रहा कि उसमें भी बात करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार भाई आप थोड़ा सा दिल पे सब्र रखें, आप सब एक स्टैंडिंग ओवेशन दें और मैं यहाँ सुल्ताना बुला भाई सुल्ताना उसके बाद हम भूल भूल जाएंगे, फिर अपने दोस्तों के साथ इनकी तीन पोतियां भी यहाँ पे सामने बैठी हुई, इनके साथ एक ग्रुप भी बनेगा। जी सुल्ताना बहुत शुक्रिया, मैं तो नहीं समझती जिंदगी में कभी इस तरह से किसी को ये मौका या इतना सराहना मिला हो, तो बहुत शुक्रिया शाह साहब और मैं आर्ट्स काउंसिल की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि जिंदगी में आपने ट्रिब्यूट दिया। अक्सर मरने के बाद लोग ट्रिब्यूट देते, तो आज तो मेरे लिए फरिश्तों ने भी बहुत अच्छा लिखा होगा। मुझे कुछ नहीं कहना, अगर आप सब लोगों ने बहुत सच बोला है तो मुझे आज अपने को जानने का मौका मिल गया। इसलिए मुझे तो फिर अपना पता ही नहीं था, मैं तो जिंदगी के दौड़ में भागती चली जा रही थी। तो ये बात है, आप सबका मैं हौसला और बैठने का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मैं सबको बार बार कह रही थी छोटा करें ख़त्म करें। तो मुझे अभी बुशरा ने कहा ऐसी क्या कौन से रात के 2 बज गए हैं, तो आपके ये लोग बैठे, तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। मैं और कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सच बात का निचोड़ ये है कि ये सब चीज़ें आप मेहनत से, डेडिकेशन से और उस सोच से, उस रोल से उठाते हैं जो आप सोच के निकलते हैं। मैं करीम भाई आप लोगों का, बाकी लोगों का, मेस्टी मुस्तफ़ा और तहा और बहुत से लोग, यामीन हाशवानी और पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए थे, असद भाई, मैं चाहती थी कि सब बोले हुआ बताए, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तो आर्ट्स काउंसिल का है, शहनाज वजीर अली इतनी मोहब्बत में आप लोग बैठे, मुझे पता है सब बहुत बिजी हैं और स्टेज छोड़ने का किसी को दे नहीं चाहता। मैं बहुत मुख्तसर करके सिर्फ ये बात बताती हूँ कि हमेशा, क्योंकि ये चीज़ लाइफ जा ही रही होगी, तो शायद यंग बच्चों के लिए एक मोटिवेशन, एक डेडिकेशन और एक सोच इसमें से आए, वो है डिसिप्लिन, मेहनत, और आप एक गोल जो है अपना ज़िंदगी में बनाएं और फिर दौड़ते चले जाएं और आगे से आगे से आगे। अब मुझे जितना करना था वो मैंने डेडिकेट किया, मैंने एक मुंतकिल किया, मुझे खुशी है कि मेरी लेगेसी मेरे बच्चे चलाएंगे। अल्लाह ने इतनी प्यारी बहुएं दी, बेटे दिए, इससे ज्यादा जिंदगी में कोई चीज इंसान को नहीं चाहिए होती है कि उनके बच्चे साले हों, नेक हों, कामयाब हों, माँ बाप मेरी देखना चाहते हैं। और मैंने तो अपनी सेकेंड जनरेशन यानी बच्चों के बच्चों को भी इतना साले हमने देखा, जो अपने काम के साथ जिस तरह मैं अपने छोटे पोते पोतियों को देखती हूँ कि वो जिस तरह से मुझे देखते हैं और बात करते हैं, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मेरा बड़ा पोता भी, उसने मेरे नाम पे स्कूल खोला जो मुझे बातें पता चला, और बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है शामी, अभी बैठा हुआ था, पता नहीं वो भी बाहर निकल गया या बैठा होगा कहीं। और मैंने अपनी पोतियों से जब एक दफा पूछा कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो, तो दुर्ग की तरह मेरे भी अब आवाज रंगने लगी कि उन्होंने कहा दादी हम आप जैसा बनना चाहते हैं। इससे बड़ी मेरे ख्याल में जिंदगी में कोई आपको चीज नसीब नहीं होती कि आप औलाद और उसकी औलाद और आपके दोस्त अहबाब
जो स्टेज पे बैठे और जो यहाँ बैठे आपकी बात करें, आपको सराहें, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्र, आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और शाह साहब इसी तरह जिंदगी में ही चुनौत दिया करें तो अल्लाह को भी हम सुरखरू होके मुहरताएँ दिखाएंगे कि देखें ना वहाँ भी तो हमारी बात हो रही थी। तो वो ये है कि मुझे जो करना था मैंने किया, लेकिन उसके साथ मुझे आगे जो करना है वो मैं करने जा रही हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया और जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। वो काम है, मैं अगेंस्ट वायलेंस में काम करना चाहती हूँ। ये जो कत्लोहारत हो रही है, जैसे एक लोग एक दूसरे को लूट मार कर रहे हैं, बेगुनाह मार रहे हैं, अपने मफाद के लिए मरवा देते हैं किसी को, किसी के बच्चों को, किसी को क्या, तो इसमें मेरा साथ दीजिएगा। जिंदगी कितनी है, जिंदगी कितनी है नहीं मालूम, लेकिन मैं हर दफा सोचती हूँ जिंदगी कम हो रही, तो और तेज काम करती हूँ, और तेज काम करती हूँ। तो अब एक ये काम है, दूसरा काम मैं चाहती हूँ एजुकेशन में करूँ, जिसमें आप जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह जो मैं अपनी फील्ड में भी एजुकेशन को बनाऊँ और बढ़ाऊँ और उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस खोलूँ जिसमें आप लोगों की मुझे रहबरी चाहिए होगी। और 28 स्कूल हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं गवर्नमेंट के, जिसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब इसी काम को चलाएं और ड्रामे या चीज़ें होंगी उसमें एंटरटेनमेंट के साथ एक मकसद भी कभी कभी होगा, कभी ऐसे भी होगा। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, नजर मैंने आपको अभी देखा ऐसे बोलने वाले लोग बैठे हुए थे, मौका नहीं मिला, तो बहुत शुक्रिया। और एक बार लतीफ का शुक्रिया, मेरी डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाई, उससे 10 दिन मेहनत करवाई और मैंने वो डॉक्यूमेंट्री की जिसमें इशरत हुसैन साहब ने भी अपना वर्ड्स दिए और दूसरों ने, और मुझे पता नहीं इसकी खुशहाली है। कोई बात नहीं, आप लोगों सबका शुक्रिया। गेट अंदर मुन्ना सुधा।